हरे कृष्णा, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, यशोदा नंदन ब्रज जन रंजन, यशोदा नंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीर वन चारी, यमुना तीर वन चारी, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जय प्रभुपदा प्रभुपदा जय प्रभुपदा, जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद, जय जय प्रभु
श्री प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भागवतम की जय। गोपाल प्रेमानंदे हरि 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 बोल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानितमिरांधस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति सुपदान्तिकं। वन्देहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरूभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादे पाश्चात्य देश तारिणे। मुखम करोति वाचालं पंगुं लंगायते गिरिं यत्कृपादमहं वंदे श्री गुरु दीन तारिणं परमानंद माधवं श्री चैतन्येश्वरं। जय गुरु दास प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। स्वामी भगवान श्री कृष्ण गुणगान में जो हम चैप्टर ले रहे हैं वो कैंटो 10 का है, दशम स्कंद का है, 87th चैप्टर है, जिसमें श्रुतियां दे आर प्रेजेंटिंग देमसेल्व्स एज द गोपीज ऑफ कृष्ण, और गोपी के रूप में वो अपने को प्रेजेंट करना चाह रही हैं और फिर कृष्ण का गुणगान करती हैं। तो वैसे हम जानते हैं वेद शास्त्र जो है वो तो ज़्यादातर त्रैगुणिया विषया वेदा, यानी जो वेद शास्त्र हैं वो तो प्रकृति तीन गुणों की बात करते हैं, लेकिन गोपियों की बात करना मतलब ये तो रस की बात हो गई। सो कभी कभी ऐसा भी होता है कि खुद भक्त जो होता है वो हो सकता PhD लेवल पे हो लेकिन पढ़ा रहा हो किसी को ABCD, पर PhD वाला अगर ABCD पढ़ा रहा है इसका मतलब ये नहीं उसकी नॉलेज सिर्फ ABCD तक ही है, उसकी नॉलेज बहुत एडवांस्ड है। उस तरह से वेद श्रुतियाँ जो है वो खुद तो बहुत ही स्पिरिचुअली बड़ी एडवांस्ड हैं, लेकिन हाँ क्योंकि उन्होंने देखा कि लोग जो है इतने परिपक्व नहीं है, बड़े कच्चे पक्के हैं, इन कर्मकांड ज्ञान कांड उपासना कांड करी थोड़ा थोड़ा इनको ऊपर लेकर के आते हैं, पर वो खुद बहुत ही स्पिरिचुअली एलिवेटेड है। सो ये प्रसंग आता है 87th चैप्टर में 10th कैंटो के। दोस्तों पहला जो श्लोक है वो है श्री परीक्षित वाच, यानी परीक्षित महाराज ने एक प्रश्न पूछा। तो क्या पूछा उन्होंने कि हे ब्राह्मण, हे परम ब्राह्मण यानी ब्रह्म को जानने वाले सुखदेव गोस्वामी जी, आप ये बताइए निर्गुणे गुण वृत्ते, ये जो वेद शास्त्र इत्यादि करते हैं तो गुण वृत्ते जो गुणों के बारे में चर्चा कराते हैं, तो ये भला कथम चरंती श्रुतियां साक्षात सत असत परे, लेकिन वो भगवान जो कि सत और असत के परे हैं उनके बारे में भला श्रुतियां कैसे बता सकती हैं, क्योंकि श्रुति जो बताएगी शब्दों का इस्तेमाल करेगी, शब्द बताएगी शब्दों से उसके बारे में कैसे पता करेंगे जो शब्दों के परे हैं, सत असत परे, जो सत और असत के परे हैं भला उनके बारे में हम कैसे जान सकते हैं। और वाकई में जो शब्द होते हैं शब्दों का अपना एक लिमिटेशन है, ग्रामेटिकल लिमिटेशन है, वोकैबुलरी की लिमिटेशन है, भाई वोकैबुलरी कितनी आती है आपकी, इतनी बड़ी डिक्शनरी आ जाएगी उसमें जो शब्दकोश है दैट्स इट, यानी कि इस शब्दकोश से हम भगवान को जान लेंगे, वो तो अनंत है और डिक्शनरी अंत है, कितने पेज होंगे इसके अंदर 1000 पेज, तो फिर हम ये ऐसे कैसे बोलेंगे भगवान की महिमा तो ये अनंत है, ये तो इतना इतने शब्दकोश में ऐसे कैसे हो जाएगा। तो ये जो शास्त्र हैं इन ये भला भगवान के बारे में कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं, तो वेद शास्त्र भला भगवान के बारे में कैसे डिस्क्राइब करेंगे, तो ये उनका
प्रश्न है। तो श्री शुक उवाच, तो सुखदेव गोस्वामी जी ने इसका क्या जवाब दिया, उन्हें बताया कि ना, उन्हें कहा कि वास्तव में वैसे तो भगवान परे हैं, शब्दों के भगवान परे हैं, लेकिन सभी को बुद्धि जो दी है भगवान ने, और बुद्धि के माध्यम से, इंद्रियों के माध्यम से इस जगत में हम चीज़ों को परसीव कर पाते हैं। आपको बोले यार सवाल क्या पूछा है, जवाब क्या दिया जा रहा है, सवाल क्या पूछा भाई, भला हम शब्दों से भगवान को कैसे जान सकते हैं, भला वेद इत्यादि शब्दों से कैसे भगवान को बता सकते हैं, और ये जवाब क्या दे रहे हैं, भगवान ने सबको बुद्धि दी है जिसके माध्यम से हम चीज़ों को समझ पाते हैं, और इंद्रियां दी हैं जिससे इंद्रिय विषयों को हम स्वीकार कर पाते हैं। सुखदेव गोस्वामी जी, सवाल क्या चल रहा है, आप जवाब क्या दे रहे हो भाई, दोनों देखो आंसर और क्वेश्चन में कोई कनेक्ट नहीं है ना, नहीं कनेक्शन है, ये इस प्रकार से आंसर भला क्यों दे रहे हैं श्री सुखदेव गोस्वामी। तो शास्त्र में आता है परोक्षवाद ऋषिया परोक्षम मम च प्रियम, भगवान कृष्ण बता रहे हैं जो परोक्षवाद यानी इनडायरेक्टली जो बात बोली जाती है ना, उससे भगवान को बड़ी प्रसन्नता मिलती है, इनडायरेक्ट बात, जैसे प्रेमी प्रेमिका होते हैं ना, आपस में जब बात करेंगे कभी डायरेक्टली बात नहीं करेंगे, इशारों इशारों बात करेंगे, इनडायरेक्टली बात करेंगे, सबके बीच में होंगे तो ऐसी बात करेंगे, लेकिन उसका मीनिंग दूसरा वाला होगा, ऐसी भाषा भगवान को बड़ी प्रिय है। तो इसे यहां बता रहे हैं बुद्धिन्द्रिया मण प्राणान, निश्चित रूप से बुद्धि इंद्रिया प्राण ये सब भगवान ने हमको दिए हैं, और जगत के अंदर हम चीजों को स्वीकार करते हैं उस प्रकार से। जनानाम सृजनम प्रभु, प्रभु के द्वारा ही सृजन हुआ है, पर बेसिकली भगवान ये बताना चाह रहे हैं जिस प्रकार से इंद्रियां मन और प्राण ये भगवान के द्वारा दिए गए हैं, और इसी की वजह से जगत के जो विषय वस्तु हैं इनको स्वीकार कर पाते हैं, इस जगत की विषय वस्तुओं को स्वीकार करने के लिए भी भगवान की कृपा चाहिए, भगवान की कृपा आती है उनके सृजन कैसे, प्राण के रूप में, मन के रूप में, इंद्रियों के रूप में, अगर भगवान ये ना दें इवन इस दृश्य जगत की चीज़ों को भी हम स्वीकार नहीं कर पाएंगे, समझ नहीं पाएंगे। तो जब इस जगत की चीज़ें भी स्वीकार हो पाती हैं उनकी कृपा से, इन द फॉर्म ऑफ द सेंसेस, द माइंड, द प्राण, तो फिर जब जो सद असद परे हैं तो वो भी कैसे स्वीकार हो पाएंगे, वो भी इसी प्रकार से स्वीकार हो पाएंगे। उसके लिए फिर एग्जाम्पल देते हैं श्री विश्वनाथ चक्र ठाकुर, जैसे कि उनके बारे में आता है कि मदीय महीनाम च परम ब्रह्मेति शब्दितम, परम ब्रह्म को शब्दों में किस प्रकार से व्यक्त किया जाता है, जैसे कि भगवान के बारे में आता है कि शत पौंड्रिका नयनम, भगवान के जो नयन है वो कमल समान है, पुंड्रिका, मेघाभाम यानी उनका जो कॉम्प्लेक्शन है आभाम, जो आभा है उनकी मेघा, वो मेघ के समान भगवान की आभा है। साथ ही बता रहा है द्विभुजम, भगवान के सुंदर दो भुजाओं वाला बड़ा सुंदर रूप है। मौन मुद्रियाणाम यानी मौन रूप में भगवान बड़े साइलेंट रूप में मेडिटेटिवली भगवान दिखते हैं। वनमालिनम ईश्वरम, और ऐसे वनमाली यानी कि वृंदावन के जो फ्लावर्स हैं उनके गार्लैंड को पहन कर ये भगवान श्री कृष्ण रहते हैं, ठीक है जी। और साथ में उनका जो उनके जो कपड़े हैं विद्युत आभरम यानी कि इलेक्ट्रिक येलो कलर के भगवान के कपड़े हैं। अब ये बात अगर हम इमेजिन करें, दो भुजाओं वाले हैं, इलेक्ट्रिक येलो कलर के उनके कपड़े हैं, उनका कॉम्प्लेक्शन मेघाम, यस वेरी गुड वेरी नाइस, और साथ ही पौंड्री का नयनम, उनके नयन जो है ऐसे नयन कमल नयन है, जैसे हमारे नयन कमल जैसे नहीं है, हमारे बटन जैसे नयन है, बटन नयनम, लेकिन भगवान एक कमल नयन, तो उनकी आंखें यहाँ तक जाती हैं एक्चुअली, इसे क्योंकि हमारी आंखें यहाँ तक नहीं जाती इसलिए माताओं को काजल लगाना पड़ता पीछे तक ताकि दिखे कि हमने कमल नयन ही है, लेकिन है सबके बटन नयनम ही है, चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो, ये तो पुरुष लोग काजल और मस्कारा और वो आईलाइनर लगाते नहीं, तो लेकिन उम्मीद ही रहती है कि कमल जैसे कम से कम दिखें कमल, लेकिन भगवान तो वाकई में पुंडरिका नयनम। अब ये जो डिस्क्रिप्शन है ये दोनों के लिए है, एक है साधक भक्त के लिए और एक सिद्ध भक्त के लिए। अगर सिद्ध भक्त इसको सुनेगा ना, वो इमीडिएटली ये सुन करके भगवान का साक्षात दर्शन करेगा अपने मानसिक पटल में, लेकिन साधक भी कम से कम कुछ तो इमेजिन कर लेगा ना, तो कुछ इमेजिन करके या मोटा मोटा इलेक्ट्रिक येलो कपड़ा ऐसे कॉम्प्लेक्शन ये वो या कुछ तो ये भी मेडिटेशन कर ही पाएगा हल्का फुल्का, तो थोड़ा ग्लिम्स मिल पाता है, इसी से ही शुद्धि होती है। लेकिन साथ साथ में ऐसा मेडिटेशन करते 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 इन्हीं शब्दों में जो कृपा समाहित है भगवान का साक्षात दर्शन भी ऐसे ही होता है। तो इससे शब्दों में क्या भगवान के बारे में वर्णन है, हाँ
भले ही उनको परसीव हम नहीं कर सकते, उनकी कृपा से ही परसीव कर सकते हैं, लेकिन फिर भी ऐसा वर्णन सुनना साधक के लिए भी अच्छा है और जो सिद्ध है उसके लिए भी अच्छा है। तो इस प्रकार से यहां पर इनडायरेक्टली बताया रहे मात्रार्थ च भावार्थ च, वास्तव में ये मन प्राण इंद्रियां देने के पीछे भावार्थ क्या है, इसका तात्पर्य क्या है, यही है कि एक दिन हम भगवान के रूप को, उनके गुणों को, उनकी लीलाओं को परसीव कर सकें, इस उम्मीद में ही हमको ये इंद्रियां दी गई हैं। जैसे 11th कैंटो के अंदर आता है ये, जब भगवान ने 84 लाख में से 80 लाख योनियां बना ली थी, 80 लाख योनियों के नलायकियत को देख रहे भगवान ने कहा इसमें तो कोई मेरे तक आ ही नहीं सकता। फिर भगवान ने 4 लाख और बनाई अपने जैसे दिखने वाली, अपने जैसे दिखने वाली भगवान ने 4 लाख योनियां और बनाई, उनमें भगवान ने फिर विवेक शक्ति, ये इंद्रियां प्राण मन इसमें ज्यादा शक्ति दी ताकि हम भगवान को कुछ तो परसीव कर सकें, नहीं तो बाकी 80 लाख योनियां तो कुछ नहीं कर सकते उसके अंदर। तो इसीलिए ये जो डिस्क्रिप्शन है, भला इसका क्या लाभ होगा, तो यहां पर सुखदेव गोस्वामी जी बता रहे हैं यस, इसका जो मात्रार्थ भावार्थ यही है ताकि आत्मन कल्पनाय च, कम से कम कल्पना मात्र से ही साधक करते 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 भगवत कृपा से ही भगवान को प्रसीव कर पाएगा इन्हीं शब्दों के द्वारा। तो इसलिए शब्द ब्रह्म का अपना महत्व है, शब्द ब्रह्म के द्वारा से हम भगवान को स्वीकार कर पाते हैं। तो इस संदर्भ में श्री सुखदेव गोस्वामी परिषद महाराज को एक कथा सुनाते हैं, कथा सुनाते हैं किस प्रकार से नारद मुनि मिले थे ब्रह्मा जी से और फिर उन्होंने कथा सुनाई कि समय कि एक समय जनलोक के अंदर वहां पर कथा चल रही थी और वहां पर सदानंद जी चुने गए एस कथावाचक जन। अब जनलोक के अंदर वहां पर ऐसे नहीं कि सब तपस्या वगैरह करते रहते हैं, इंद्रिय तृप्ति करते रहते हैं, हालांकि इंद्रिय तृप्ति की बहुत बढ़िया फैसिलिटी जनलोक के अंदर, जनलोक हमारे से ऊपर आता है, हमारे से ऊपर है भूरलोक, भूरलोक स्वर्गलोक बेसिकली, उसके ऊपर जो 4 लोक हैं उनमें आता है महरलोक, तपोलोक, फिर जनलोक, फिर ब्रह्मलोक, मतलब ब्रह्मलोक के बिल्कुल नीचे का लोक है जनलोक, वेरी एडवांस सिविलाइजेशन, और यहाँ पर इंद्रिय तृप्ति के बहुत बढ़िया साधन है हालांकि, लेकिन फिर भी यहाँ पर क्या करते रहते हैं भक्त लोग, 1-1.5 घंटा भागवतम क्लास नहीं, यहाँ पर तो कथाएं चलती रहती हैं, कभी इनकी बारी कभी उनकी बारी, आज विशाल कृष्ण प्रभु बताएंगे चलिए सब बैठ जाएं, चलो आज हमारे रामानुज साहब बताएंगे सब बैठ जाएं। तो इस प्रकार से वहां पर यही मौसम रहता है, सुबह दोपहर शाम कोई ना कोई कथा करता रहेगा, बाकी आकर के सुनेंगे, चर्चा होगी। तो इस प्रकार से चतुष्कुमार में से सनंदन जी को चुना गया कि आज आप कथा करिए और बताइए कि भगवान की दिव्यता कैसी है। तो भगवान की दिव्यता को डिस्क्राइब करने के लिए उन्होंने एक प्रसंग लिया, नाउ दिस इज वेरी नेस्टेड, ये नेस्टेड स्टोरी है, सबसे बाहर का नेस्ट, वैसे तो शौनक आदि ऋषि और सुध गोस्वामी वो हालांकि वहां पर नहीं आ रहे, पर उनके अंदर का नेस्ट श्री सुखदेव गोस्वामी हैं परीक्षित महाराज, उनके अंदर का नेस्ट ब्रह्मा जी एंड देवी देवता, उनके अंदर का नेस्ट सो नारद मुनि एंड ब्रह्मा जी, उसके अंदर का नेस्ट सनंदन जी एंड जनलोक के लोग, और उसके अंदर का नेस्ट, उसके अंदर का नेस्ट है किस प्रकार से श्रुतियां जो है गोपियों के रूप में है और वो भगवान का ग्लोरिफिकेशन करती हैं। सो दिस इज नेस्टेड 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 कॉन्वर्सेशन, और ऐसे शास्त्रों में होता है, कभी कभी ट्रैक करना पड़ता है ये डायलॉग कहाँ से आया, क्योंकि डायलॉग स्विच भी करते हैं, बाहर का नेस्ट अंदर का नेस्ट, बाहर बाहर का नेस्ट अंदर अंदर का नेस्ट, टिक 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 टिक, भागवतों में कई बार ट्रैक करना इसलिए मुश्किल होता है क्या प्रभु ये अभी एकदम से कैसे आ गया, क्या क्योंकि सर ये डायलॉग चेंज हो गया है, नाउ सीन हैज शिफ्टेड टू दैट, तो इससे भागवतों को ना बड़े ठहराव के साथ पढ़ना पड़ता है कि एकदम से अब ये कैसे हुआ। सो दिस इज ऑल्सो सुपर नेस्टेड कॉन्वर्सेशन, फाइनली आती है नेस्टेड कॉन्वर्सेशन टू द श्रुतीज, जो श्रुतियां हैं ये भगवान के पास पहुंची, भगवान वैसे योग निद्रा में है, योग निद्रा मतलब ये नहीं कि भगवान सो जाते हैं, भगवान सो गए, योग निद्रा कहते हैं, निद्रा मतलब सो जाओ, एक्चुअली योग निद्रा का मतलब होता है जब भगवान की जो इंटरनल पोटेंसी है जब बाहर प्रकट होने के बजाय अंदर प्रकट होती है, यानी कि उनके हृदय में वास करती है, तो सारी आध्यात्मिक शक्तियां जब भगवान के हृदय में वास करती हैं और वहां उनके साथ मेडिटेटिव ट्रांस में रहती हैं, दैट इज योग निद्रा, बट इट इज नॉट कि भगवान सो गया था तू भी सो जा शक्ति मैं भी सो रहा हूं और भगवान सो गया, नहीं ऐसा नहीं होता। सो ऑल द शक्तिज गेट एनफोल्डेड इन द पर्सनैलिटी ऑफ द लॉर्ड, उसको बोलते हैं योग निद्रा। तो भगवान योग निद्रा में है, यानी भगवान ने श्वास अंदर लिया, यानी ब्रह्मा जी इत्यादि सबके सब अंदर चले गए हैं, अब भगवान योग निद्रा से अब बाहर आते हैं, देन अगेन ही इज गोइंग टू ब्रीद आउट, यानी अब फिर से सृष्टि शुरू होनी है। तो जैसे वो राजा सो रहा होता है तो वो अपने आप नहीं उठता, राजा को उठाया जाता है उनका गुणगान करके, क्या आप कितने हीरोइक हैं,
आपका आपका ये गुणगान, आपका वीर ये है, आपके क्वालिटीज ये हैं, आपकी दयता ये है, आपकी करुणा ये है, और इस प्रकार से गुणगान कर करते करते जो है वो राजा को ऐसे राजा को उठाया जाता है। तो श्रुतियों ने सोचा हम प्रभु को उठाएंगे, हम भगवान को उठाएंगे। तो इस प्रकार से उन्होंने अब जो गुणगान करना शुरू किया ताकि भगवान को उनकी योग निद्रा वाली मेडिटेटिव ट्रांस से उनको उठाया जाए, अब सृष्टि शुरू होनी है। अब वो जो गुणगान है दैट इज 87th चैप्टर ऑफ द 10th कैंटो ऑफ श्रीमद् भागवतम। तो अब वो जो गुणगान करिए, अब ऐसा नहीं भगवान सो ही रहे हैं लिटरली, भगवान को उठाना पड़ रहा है, उठ जाओ उठ जाओ उठ जाओ उठ जाओ, 6 बज गए हैं, उठ जाओ, उठना उठना नहीं है, स्कूल नहीं जाना बेटा, उठ जाओ, उठ जाओ, ऐसा नहीं है। तो भगवान वैसे ही योग निद्रा में, वैसे तो जागृत अवस्था में ही है, लेकिन इस प्रकार से उनका अब गुणगान जो है सुनना, ये उनका एंथुसियाज्म, ये उत्साह है श्रुतियों का। तो इस प्रकार से श्रुतियां जो है वो भगवान का गुणगान करके भगवान को उठाती है। तो शुरुआत करती है जय 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 करके उठाती है। एक बार वैसे जय बोलने काफी होता है, फला फला की जय, लेकिन वो इतनी उत्साही है कि जय भी 2 बार बोल गई वो। सो जय जय, आपकी जय हो, जय हो, जय करके उनको उठाती है। तो भगवान जब उठे, उनकी जय जयकार सुनकर के उठे, भगवान ने कहा इतनी जय जय क्यों कर रहे हो, एक बार जय काफी होता है, ऐसा भगवान बोल सकते हैं। तो बोला ऐसा क्यों, जय जय तो बता रहा है, जय जय मार्जित दोष गर्भित गुणाम, कि प्रभु आपकी जय इसलिए है बिकॉज जही यू डिफीट अजाम योर माया शक्ति। माया शक्ति जो है ना, आप उसके ऊपर जय हैं, उस पर कोई विजय प्राप्त नहीं कर पाया। अच्छे अच्छे तपस्वी ज्ञानी सब लुढ़क जाते हैं, कोई कब किसका शिकार हो जाए कुछ नहीं पता। तो इसलिए आपकी जय जय इसलिए है बिकॉज जही अजाम यू आर द कंट्रोलर ऑफ माया। तो भगवान बोलते नहीं नहीं, माया को कौन जीत पाया, इन्हें श्रुतियों तुमसे लगता है कुछ गलती हो गई। देन शी सेज अजीत, आप अजीत हैं वास्तव में। तो अच्छा मैं अजीत हूँ, तो फिर मैं अजीत हूँ, माया का मालिक हूँ, तो लेकिन भला इससे क्या फर्क पड़ता है। तो बोला बिकॉज दोष, जितने भी दोष माया से उत्पन्न होते हैं गभीत गुणाम, तो प्रकृति के 3 गुण जो है दोष देने वाले हैं जगत के अंदर, और ऐसे दोषों को जीतने वाले हैं आप। कहते हैं अच्छा, मेरे से ये दोषों को जीता जा सकता है। ना नहीं, अरे कहाँ, अरे मैं खुद, मैं जगत के अंदर रहता हूँ, गर्भोदक्ष है विष्णु, क्षीरोदक्ष है विष्णु, तो माया से तो सब प्रभावित होते हैं, मैं भी तो प्रभावित हो ही जाऊंगा। ना 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 ना, त्वम असि यत आत्मना, आप प्रभावित नहीं होते, आपके गुण आपसे खुद से आ रहे हैं। इस दुनिया के अंदर जो गुण आते हैं वो माया से आते हैं। कोई व्यक्ति सात्विक गुण वाला होता है, कोई राजसिक गुण वाला होता है, कोई तामसिक गुण वाला होता है। भगवान बोलेंगे मेरे में भी तो गुण लोग बताते हैं, मैं ये गुण वो गुण, तो मैं भी तो फिर माया से आऊंगा ना, और क्या, नहीं तो। कहते ना 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 ना, आत्मना, आपके गुण माया से नहीं है, आपके गुण आपकी इनहेरेंट क्वालिटी है। क्योंकि गुण जो है 2 तरह से आते हैं, एक होता है संयोग, एक होता है समवाय। संयोग का मतलब होता है कोई चीज बाहर से जब ऐड की जाती है उसको बोलते हैं संयोग। जैसे हमको जो गुण मिले हैं कर्मों के अनुसार, प्रकृति ने हमको दिए हैं, यानी सप्लाइड फ्रॉम आउटसाइड, जिसे बोलते हैं संयोग। और समवाय का मतलब होता है कोई क्वालिटी किसी चीज की इनहेरेंट हो, दी नहीं गई है, वो पहले से ही उसके अंदर इनहेरेंट पार्ट है उसका। जैसे दूध की सफेदी इस समवाय, ऐसे दूध पहले ट्रांसपेरेंट था, बाद में किसी ने रंग मिला करके उसको सफेद किया उसको ना। समवाय मीन्स इनहेरेंटली दूध इज वाइट। पर जैसे कोई टेबल है, टेबल के ऊपर बुक रखना, यह है संयोग। बुक जो है बाहर से आई और टेबल पर रखी गई, उसको बोलते हैं संयोग। तो इस जगत के अंदर जो गुण प्राप्त होते हैं वो प्रकृति से प्राप्त होते हैं प्रभु, लेकिन आपका संयोग वाला केस नहीं है, आपका केस समवाय वाला है। यानी कि गुण जो है वो इनहेरेंटली आपके अंदर, माया ने नहीं दिया आपको गुण, आपका समवाय वाला केस है। आत्मना, तो यत आत्मना, अच्छा ऐसा है क्या। लेकिन कुछ भी हो, चलो तुम कह तो रही हो कि मेरे गुण जो है मेरे खुद के हैं, लेकिन माया के प्रभाव में कम से कम मेरे गुण कभी रिस्ट्रिक्ट तो हो जाते होंगे ना। इस जगत में भी हम सब कुछ करना चाहते हैं लेकिन माया रिस्ट्रिक्ट कर देती है ना। तो मेरे गुण हैं ठीक है, लेकिन पूरे नहीं होंगे, थोड़े तो रिस्ट्रिक्टेड होंगे। कहते ना 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 ना, ऐसा बिल्कुल नहीं है। समविरुद्ध समस्त भागा, कंप्लीटली सारे ऐश्वर्य आपके अंदर उपस्थित है, आप ये माया जगत में रह करके सारे गुण है आपके अंदर। अच्छा सारे गुण है मेरे अंदर। जय श्री श्री रुक्मणी द्वारकाधीश की जय, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया प्रभु सुदर्शन की जय, गिरिराज गोवर्धन जी महाराज की जय, श्री गौर निताय की जय।
तो भगवान कह सकते हैं लेकिन मेरे सारे कहाँ गुण होंगे, अरे अगर होते तो कोई तो बताता इस बारे में कि मेरे अंदर सारे गुण हैं। कहते हैं हाँ क्यों नहीं, भक्त्या एक्या ग्राह्यम, एक वैरायटी है दुनियादारी में, वो दुनिया में वो है भक्त। ये जो भक्त होते हैं ना, एक्या ग्राह्यम, ये ग्रहण किए हुए हैं इन, ये आपके गुणों को ग्रहण कर लेते हैं। अच्छा ये मतलब मेरे गुण सारे भक्त लोग ग्रहण कर लेते हैं, ये समझ लेते हैं मेरे गुणों को। क्या एविडेंस है इस बात का? श्रुति ने बोला हम एविडेंस है इस बात के, हम श्रुतियां, हम बता रही हैं कि आपके गुणों को और कोई नहीं समझ पाया, आपके गुणों को सिर्फ आपके भक्ति समझ पाए। अच्छा तो मतलब तुम मेरे यानी सारे गुणों को जानती हो श्रुतियों, तुम जानती हो? तुमने बोला क्वचित, हम भी वैसे पूरा तो नहीं जानती हैं, क्वचित हम भी थोड़ा बहुत ही जानती हैं। हाँ मैं इतना जरूर जानती हैं कि चित हो यानी कि संसार हो या फिर आध्यात्मिक यानी मटेरियल या स्पिरिचुअल एक्टिविटीज में आप एक्टिव तो रहते हैं, दृश्य जगत एक्टिवेट हुआ है तो आपके दृष्टिपात से एक्टिवेट होती है, हमने खुद ने देखा हुआ है और ये हमने खुद ने बताया सक्षतः, आपने दृष्टिपात किया तो ये जगत हिला जुला है, इसमें कोई एक्टिविटी हुई है। और स्पिरिचुअली भी आप बहुत लीलाएं करते हैं, ये वर्णन हमने किया हुआ है, लेकिन जितनी लीलाएं करते हैं सारी तो नहीं बता पाते हम, थोड़ी बहुत ही बता पाते हैं। तो अगर आप ये बोलें जी हम श्रुतियां पूरी तरह से आपके बारे में जानती हैं, ऑनेस्टली हम खुद कन्फेस करती हैं हमें तो आपके बारे में पूरी तरह नहीं पता, क्वचित थोड़ा बहुत ही आपके बारे में पता है, आत्मना थोड़ा आपकी स्पिरिचुअल पोटेंशियल वाले काम है, बाकी अजया यानी मटेरियल एनर्जी में भी आपके कार्य तो होते हैं लेकिन हम इसको पूरी तरह से समझ नहीं सकते। पर हाँ निश्चित रूप से इसको अप्रिशिएट हम लोग जरूर करते हैं, अनुचरेत निगमः, हम जो वेद इत्यादि हैं श्रुतियां हैं निश्चित रूप से इनकी प्रशंसा तो अवश्य करते हैं। तो भगवान बोल रहे थे, अच्छा भगवान बोल सकते हैं इसके बाद, अच्छा तो मतलब ये तुम कह रही हो कि मैं भौतिक जगत में रहता हूं और इसके परे हूं, तुम ऐसा कहना चाह रही हो? लेकिन तुम मेरा इतना गुणगान कर रही हो, मेरी जय जयकार हो, आप तो ये हैं फले हैं ढिमके हैं, लेकिन मैं तुमका अंदर तुम्हारे अंदर दिखा, तुम बाकी देवी देवताओं की भी महिमा करती हो, हाँ तुम तो इंद्र का भी गुणगान करती हो, शिव जी का गुणगान भी करती हो, शक्ति का गुणगान भी करती हो, आज ये मेरी भला चापलूसी क्यों कर रही हो? तो श्रुति भगवान ऐसा प्रश्न पूछ सकते हैं, राइट? तो उसके लिए फिर वो बताती हैं कि हे प्रभु यू आर बृहत, अगला श्लोक जो आता है भगवान वो बोल रही है आप बृहत हैं, हाँ बाकी भी हैं बट यू आर द ग्रेटेस्ट, आप बृहत हैं। उपलब्धम, मैंने औरों कईयों को परसीव किया है लेकिन आप यू आर द ग्रेटेस्ट। अच्छा ऐसे कैसे आई एम द ग्रेटेस्ट, तुम ऐसे कैसे कह सकते हो? लेकिन तुमने तो गुणगान किया है ना, बाकी देवी देवताओं को भी तो गुणगान किया है तुमने। तो श्रुतियां बोलेंगी यस प्रभु किया है गुणगान तो किया है, लेकिन आप ही वास्तव में क्या है, आप ही अवेष्टस्या, आप ही अविशेषत्या, यानी कि आप ही वास्तव में सबकी फाउंडेशन है। तो मैं ही सबकी फाउंडेशन वाला कैसे हो सकता हूं? तो उसके लिए फिर वो एग्जाम्पल भी देती है, जिस तरह से व्यक्ति पांव कहीं पर रखे, सीढ़ी पर रखे, पेड़ पर रखे, कोई ईंटे पर रखे, लेकिन ऐसी पांव का वो कहां रखा है, वो धरती पर तो रख रहा है। उसी तरह से कभी हम इसका गुणगान में करती हूँ, उसका गुणगान करती हूँ, ऐसा गुणगान करती हूँ, वैसा गुणगान करती हूँ, लेकिन असल में वो गुणगान आप ही का ही है। जैसे पांव व्यक्ति कहीं रखे, असल में रख तो वो जमीन पर रहा पांव, उस तरह से गुणगान में कभी कभी करती हूँ लेकिन वास्तव में गुणगान आप ही का है, क्योंकि इनमें शक्तियां जितनी है देवी देवताओं के अंदर वो शक्तियां आप ही से हैं, जितने और जो विस्तार है वो आप ही के तो विस्तार है, वो चाहे ब्रह्मा विष्णु महेश हो आप ही के तो विस्तार है। ये जो तीन पुरुष हैं महाविष्णु गर्भदक्ष विष्णु शिवदक्ष विष्णु, ये तीनों तीनों आप ही से तो आ रहे हैं, बल्कि जब आप खड़े होते हैं तो ये सबके सब आपको दंडवत करते हैं, दंडवत भी ऐसे करते हैं सबके जो मुकुट हैं आपस में टकराते हैं, छनछन की आवाज होती है, टक 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 करके आवाज होती है, कहते हैं इतने सारे छनछन की आवाज क्यों हो रही होगी, मुकुट टकराते हैं प्रणाम करते करते, ये आपका स्थान है। अच्छा तो इसलिए तुम कह रही हो कि मतलब मैं दिव्य हूं? अच्छा नहीं कुछ भी हो प्रकृति में आ करके देखो, विकार तो सभी को आते हैं। कहते ना 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 अविकृतात, यानी आप विकार नहीं आता आपके अंदर, ना 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 बिल्कुल नहीं, यू आर नॉट सब्जेक्ट टू ट्रांसफॉर्मेशन। तो फिर ऐसे कैसे, फिर ये जगत कैसे बना? फिर ये जगत तो ये आपकी शक्तियों से है, आपकी दो प्रकार की शक्तियां हैं, अंतरंगा शक्ति भी है बहिरंगा शक्ति भी है, बहिरंगा शक्ति के अंदर माया शक्ति के अंदर विकार आता है, अंतरंगा शक्ति में कोई विकार नहीं आता क्योंकि उसका स्वरूप आप ही से है ना, ना आप में विकार आता है ना आपकी अंतरंग शक्ति में विकार आता है, ये बहिरंगा शक्ति है इसे विकार आ रहे होते हैं, कभी बनती है कभी बिगड़ती है, कभी विलुप्त होती है कभी प्रकट होती है, कभी विकास होता है कभी बाई प्रोडक्ट्स निकलते हैं, ये तो इसके साथ है।
आपके साथ कुछ नहीं है, आप एज इट इज रहते हो, अविकृतात, आप में कोई फर्क नहीं पड़ता। पारसमणि कईयों को छुए सोना बनाता है, उसमें कोई विकार नहीं आता। पिताजी से कितने बच्चे निकल जाए, पिताजी में कोई विकार नहीं आता। गाय से कितना दूध निकल जाए, गाय में कोई विकार नहीं आता। पेड़ से कितने फल निकल जाए, पेड़ में कोई विकार नहीं आता। इससे आप, इसलिए आपसे ही बहुत कुछ निकलता है लेकिन आप में कोई विकार नहीं आता। आप जगत में आते हैं लेकिन आप में कुछ नहीं होता। कहते अच्छा, तो मतलब मेरे में कोई विकार नहीं आता श्रुति? हाँ जी, आप में कोई विकार नहीं आता। और इसीलिए कई साधु लोग क्या करते हैं, आपके ऊपर ध्यान लगाते हैं। इसलिए कथम गायता भवंती भुवि दत्त पदानी, एक्सक्यूज मी। तो इसीलिए जो साधु लोग हैं वो आप पर ध्यान लगाते हैं, क्योंकि जानते हैं कि बाकी चीजें चेंजिंग है लेकिन आप चेंजिंग नहीं है। कहते अच्छा, लेकिन फिर भी, लेकिन तुम्हारे में औरों का गुणगान भी तो है। लेकिन कहते हाँ, गुणगान है प्रभु, लेकिन वो गुणगान इसलिए है ताकि हम आपकी और लोगों को लेकर जा सकें। इसके लिए फिर कोटेशन श्री विश्वनाथ ठाकुर करते हैं पद्म पुराण से, जहां बता रहे हैं अतएव तत्र एव वयामोह चराचरस्य जगत। यानी जगत के अंदर भगवान ने कई प्रकार के विस्तार हाले किए हैं, और जो वेद शास्त्र इत्यादि हैं उनमें कभी और देवी देवताओं गुणगान भी है, लेकिन वो गुणगान जो कि भगवान के अनुरूप है, भगवान हरि के अनुरूप है, उन्हीं को स्वीकार करना चाहिए। सिद्धांते पुनर एक ही भगवान हरि समस्त काम, यानी जो भगवान श्री हरि का गुणगान करने वाला है ना पाठ बाकी पुराणों में, उसको रियल मानना चाहिए, बाकी को सिर्फ भ्रम मानना चाहिए। ये कौन बोल रहा है? पद्म पुराण के अंदर आ रहा है, शिव जी बता रहे पार्वती मैया को। इसी प्रकार स्कंद पुराण में शिव जी, फिर से कार्तिकेय जी बता रहे, क्या बता रहे हैं? शिव शास्त्रेषु तद्ग्राह्यम्, ये जो मेरे जो शास्त्र हैं, आई लॉर्ड शिवा, मेरे जो शास्त्र हैं, तुम वही पाठ उसको स्वीकार करो जो कि भगवत शास्त्र योगित यत, जो भगवान हरि, जो भगवान कृष्ण है ना, जो उनके शास्त्र के अनुसार है उसको स्वीकार करो। परमो विष्णुर एकस्त ज्ञानम मोक्ष साधनम, तो वोला जो ज्ञान है वो मोक्ष साधनम है। शास्त्रान निर्णयस्य वेश त अन्य मोहनाय ही, बाकी जो डिस्क्रिप्शंस हैं वो तो सिर्फ सिर्फ मोह है, सिर्फ मोहित करने के लिए। यानी कि ऐसे शास्त्र है जो कि तामसिक लोगों के लिए हैं, राजसिक लोगों के लिए, ये सिर्फ मोहित करने के लिए हैं। शास्त्र वही है जो भगवान विष्णु, भगवान हरि, अल्टीमेटली भगवान श्री कृष्ण के बारे में बता रहे हैं ना, उन्हीं को स्वीकार करना चाहिए। तो श्रुतियां बता रही हैं हाँ जी, हमने औरों के बारे में बताया है, लेकिन वो मोह करने के लिए है, इनको कंफ्यूज करने के लिए है, ताकि ये लोग धीरे धीरे करके रिलेटिव रियलिटी से एब्सोल्यूट रियलिटी की ओर आ सकें, इसलिए उनके बारे में डिस्क्रिप्शन ऐसा बताया हमने। अच्छा, तो फिर ठीक है, तुमने मेरे को बता दिया ग्रेट, लेकिन ऐसा मैं ग्रेट कुछ काम तो करता नहीं, सिर्फ भाई टाइटल ही है बस हमारे पास, और क्या, शोभा पुरुष है हम, दैट आई एम द ग्रेटेस्ट, मैं कुछ ऐसा कोई कार्य तो मैं करता नहीं। कहते नहीं नहीं ऐसा नहीं है प्रभु, बिकॉज यू आर द ग्रेटेस्ट। इसीलिए जितने समझदार लोग हैं, ऐसे लोग इति त्वा सूर्यस्त, जितने भी साधु लोग हैं वो क्या करते हैं, आपके बारे में, त्रय अधिपति, आप त्रिलोक स्वामी हैं, अखिल लोक, पूरे जगत के स्वामी हैं, आपके ऊपर ध्यान लगाते हैं। अच्छा, मेरे ऊपर ध्यान लगाते हैं, मेरे पे ध्यान लगाते हैं, पर मेरे पे ध्यान लगा के उनको लाभ क्या होगा? मलक शपणम, यानी कि जो जो संसारिक जो मैल है, काम क्रोध लोभ इत्यादि की, उसको आप नष्ट कर देते हैं। तो भगवान बोल सकते हैं नहीं श्रुति, मैं कहां किसी के मल को नष्ट करूंगा, मल तो भाई मल तो, वो भी इतने सारे लोगों का मल, भला मैं कैसे कर सकता हूं, ये तो पॉसिबल नहीं है। कहते नहीं, ऐसा बिल्कुल पॉसिबल है। कथा अमृत, आपकी कथाओं का जो अमृत है ना, वो जगत के अखल लोक सब सारे मल को साफ कर सकता है। वो कहते अरे कहां, इतना सारा मल मेरी कथा में, मेरी कथा इतनी थोड़ी है। कहते नहीं, आप धिम समुद्र है, आपकी कथाएं समुद्र जो होता है ना, उसमें कोई मैल नहीं ठहर सकती, इतना सप्लाई है। तो इसीलिए आप तो कितने ही मल को साफ कर सकते हैं। अच्छा, ऐसा? लेकिन कई ये तपस्वी लोग तो हैं, तो बड़ी बड़ी तपस्या करते हैं गुफाओं के अंदर जा करके, तो इसलिए ये लोग तो तपस्या से शुद्ध होते हैं। ये तुम क्या बोल रही हो, मेरी कथा से शुद्ध थोड़ी होगा कोई, ऐसे थोड़ी होता है, ये तो नहीं तो लोग तपस्या थोड़ी कर रहे होते हैं। नहीं प्रभु, ये जो सूर्य यानी समझदार लोग हैं ना, जो वाकई में भक्त हैं, संत हैं, रियलाइज सोल हैं, इन्होंने क्या किया, तापांशी जुहू, इन्होंने तपस्या त्याग दी। इन्होंने कहा तपस्या में क्या रखा है, तपस्या थोड़ी ना शुद्धि है, आपकी कथाओं से कथामृताब्धि, इससे शुद्धि है। तो सोचिए, अगर कोई साधक हो
यानी अभी शुद्ध नहीं हुआ, उसमें काम क्रोध लोभ भी है। जब वो आपके गुणगान को सुनकर के शुद्ध हो जाएगा, सो किम ऊता, तो फिर उनका तो कहना क्या, जो पुनः पुनः आपके बारे में, आपके धाम के बारे में, आपके ऐश्वर्य के बारे में सुनते हैं ऐसो ऐसे लोगों का तो फिर कहना क्या। अरे तपस्या को तो वो त्याग चुके हैं, आपकी कथा इतनी अद्भुत है, आपकी कथा बिल्कुल वैसे गंगा मैया के समान है, जैसे गंगा में अगर कोई भी स्नान कर ले, कोई छींटा मार ले उसमें, कोई इसमें स्नान कर ले, सबको लाभ मिलता है। उसी प्रकार से आप ही कथा के स्पर्श में जो भी आएगा उसको लाभ मिलेगा ही मिलेगा। तो फिर क्या सबको समान लाभ मिलता है क्या कृष्ण कथा से? नहीं, सबसे बड़ा लाभ मिलता है कृष्ण कथा को बोलने वाले को, सबसे बड़ा लाभ उसको मिलता है। सेकेंड लाभ मिलता है जो प्रश्न पूछता है उसको लाभ मिलता है, तीसरा जो मूक श्रोता है उसको भी लाभ मिलता है। सो गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल, ब्रोंज मेडल, हालांकि शुद्धि सभी की होती है लेकिन सबसे अधिक शुद्धि उसकी होती है जो कृष्ण कथा को बोलता है। तो इसलिए कृष्ण कथा को सबको बोलना चाहिए, ये नहीं अरे भाई प्रभु जी हमको माइक के आगे बोलने का कहाँ सौभाग्य मिलेगा, तो आप ही बोलिए माइक के आगे, हमारी तो बारी नहीं आती, हमारा तो ये लेक्चर शेड्यूल में तो आप नाम लिखते ही नहीं कभी, तो इसलिए फिर हम हमको तो आएगा नहीं ना ना। अरे कृष्ण कथा बोलने के लिए माइक नहीं चाहिए बाबा, तो कृष्ण कथा जो बोलेगा उसको लाभ मिलेगा, उसके बाद प्रश्न पूछने वाले को लाभ मिलेगा, सुनने वाले को लाभ मिलेगा, सबको लाभ मिलता है इन द डिसेंडिंग ऑर्डर। तो इसलिए कृष्ण कथा बोलनी चाहिए। तो वहां बोलते हैं लेकिन बेचारे कृष्ण ही कृष्ण कथा बोल लेंगे ना, हमारी कथा तो फिर लिमिटेड होती है ना। कहते ना 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 ना, तो ऋग्वेद श्रुतियां जो है खुद को ही कोट करती हैं, क्या विष्णुर एव कम वीरियम प्रवोचनम या पृथ्वी विमाने राजमशी, यानी कि जितने की धूल के कण नहीं है जगत के अंदर उससे भी ज्यादा महिमा तो आपकी है, तो इसलिए कोई सप्लाई का कोई अंत नहीं है आपके बारे में, तो इसलिए जिसको जितनी कथा करनी हो वो करेगा और ऐसा करके उसको अत्यंत लाभ मिलेगा। और होगा क्या, उससे लाभ क्या मिलेगा उसको, काल गुणे, यानी कि ऐसा व्यक्ति काल के प्रभाव से मुक्त हो जाएगा। काल के प्रभाव से मुक्त ना मतलब ये जो वृद्धावस्था बार बार आती है ना, घुटनों में दर्द, यहां दर्द, वहां दर्द, खत्म, गुणे, प्रकृति तीन गुणों से उसकी मुक्ति हो जाएगी। क्योंकि क्या करता है, परम भजंती, ऐसा व्यक्ति जो है आप के भजन में लगता है वो, इसीलिए, और इसीलिए उसको क्या मिलेगा, पदम अजसर सुखम अनुभवम, और परम सुख का वो अनुभव करेगा आप ही कृष्ण कथा का पान करने की वजह से। ऐसा साथ ही बताया जाना है कि अच्छा फिर अगर कोई ऐसा ना करे तो, ये तो हो गया आपकी कथा का बड़ा बड़ा यशगान है, बड़ी महिमा है, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। लेकिन ऐसे लोग भी होंगे जो कृष्ण कथा में नहीं आएंगे, जैसे कई लोग कृष्ण कथा में नहीं बैठते, अरे वो क्लास चल रही है यार, दर्शन करो और क्या, नहीं तो जैसे जैसे दर्शन खुलते हैं ना कई लोग दौड़ते दौड़ते वहां जाते, हे प्रभु प्रभु। ये नौ सखी लोग हैं असल में, नौ सखी लोग जो है कृष्ण कथा वाला दर्शन नहीं करेंगे, उनको वहां दर्शन करना चाहते हैं। वहां कौन सा दर्शन करेंगे, पीतल है, लाल रंग का कपड़ा पहनाया है, सिल्क लग रहा है तो, नाइस, पीछे पर्दा येलो है, ऊपर फानूश है, नाइस फानूश, वेरी गुड फानूश। तो इसलिए वो दर्शन तभी होंगे जब यहां दर्शन होंगे। तो इसलिए ऐसे लोग भी होंगे जो कृष्ण कथा नहीं सुनते, जैसे कहीं लोग बाहर से निकल जाते ना, हम देखा है बाहर बाइक में आएंगे जो हो अंदर नहीं आते, वो लोग बाहरी बाहर से निकल जाते हैं, और कुछ तो वो भी नहीं करते, कहते बाइक बस वहीं से निकल गए। कहीं बिल्डिंग है जैसे सामने यूपी बिल्डिंग है, यहाँ पर इनकी बिल्डिंग है, बिल्डिंग 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 सेम से। तो ऐसे लोग भी होंगे, तो ऐसे लोगों का भला क्या किया, क्या कहा जाए उनके बारे में? तो उनके बारे में बता रहे हैं धृत्या बेलो, जैसे कि होता ना ये जो ब्लैक ब्लैक स्मिथ, ब्लैक स्मिथ क्या बोलते हैं, लोहार, लोहार होता है ना, वो भी कर रहा होता है, उसकी धोकनी होती है ना उसके अंदर, तो उसके अंदर क्या होता है, हवा अंदर बाहर जा रही होती है, चुक 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 चुक, तो वो कहता है बस ये धोकनी जैसे जी रहे हैं, बस वो जैसे धोकनी होती है ना, बस वैसे ही है उनका, क्योंकि सांस अंदर बाहर, हर बार कार्बन डाइऑक्साइड ले बाहर छोड़ना, ऑक्सीजन लेना, कहे ये धोकनी है बस उनकी, और कुछ नहीं है, वैसे ही मरे पड़े हैं, जैसे धोकनी में कोई जान नहीं होती लेकिन हवा अंदर बाहर जा रही होती है ना, ऐसे इन लोगों का भी अंदर हवा अंदर बाहर हो रही है इनकी, ऑक्सीजन जाना और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आना, ऑक्सीजन अंदर जाना कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आना, कहे तुम्हारा धोकनी है और कुछ नहीं है, और इसलिए दत्ता है इव श्वासान, ये बस वैसे श्वास उनके ये धोकनी जैसे ही है। तो वहां बोलते हैं लेकिन तुम बता तो रही हो कि ऐसे लोग मरे हुए हैं, मतलब कि सांस अंदर बाहर जा रही है लेकिन धोकनी जैसे ही है वो, और कुछ नहीं, लेकिन फिर भी जी तो रहे, दे आर अलाइव। देखो जो नास्तिक लगे वो जीतो रहे हैं ना, मस्ती गोरी करते रहे हैं, कोका कोला पीते रहे हैं,
पार्टी वार्टी करते रहे ये लोग, खुश तो हैं ये लोग, तुम ऐसे कैसे बोल रही हो श्रुति की दे आर नॉट अलाइव, जो हरि के भक्त हैं ओनली दे आर अलाइव, सिर्फ यही जीवित हैं, ऐसे कैसे बोल सकती हो तुम। उन्हें बोला वास्तव में तो श्रुतियां बोलती हैं, मैं बता रही हूं, मैं श्रुति शास्त्र, मैं ये वेदन सुना, मैं बता रही हूं, जितनी भी इंद्रियां हैं इंद्रियों के देवता भी हैं, इंद्रियों के देवता भी आपकी उपासना करते हैं, मन के देवता आपकी उपासना करते हैं, बुद्धि के देवता आपकी उपासना करते हैं, प्राणों के देवता आपकी उपासना करते हैं, ये सब के सब आपकी उपासना करते हैं, और जो इनको इंद्रियां मिली हुई है, जिनको मिली हुई है, वो अगर इसका यूज आपकी सेवा में नहीं करते तो इसलिए वो लोग धोखनी है, मरे खपे लोग ही हैं ये, सिर्फ हवा अंदर बाहर हो रही है, फेफड़ों में जाना अंदर हुआ पहुंचा हवा बाहर आई, बस ये धोखनी है, बस दैट्स इट, और कुछ नहीं। तो इसलिए महत, चाहे महत की बात करें यानी कि आपकी जो भौतिक एनर्जी, अहम यानी फॉल्स ईगो की बात करें, आद्य ये सब के सब मटेरियल एलिमेंट्स की बात करें, इसका स्रोत कहाँ है, आपके अंदर है। और ये तो भगवान बोले ठीक है ये है, लेकिन तो इसमें लेकिन फिर भी ये लोग जी तो रही है ना, मतलब मेरे बिना तो जी रहे हैं, कहते ना 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 अनुग्रहतः, ये आपका आपने अनुग्रह किया है कि ये भले ही मेरे पास ना आए, इवन देन मैं इनका भरण पोषण करूं, ये आपकी महानता है, बाय योर मर्सी अनुग्रहतः, नहीं तो ये लोग जिए भी ना, यानी नास्तिक को पालने वाला भी कौन, भगवान। हालांकि भगवान को नहीं मानते तो भी भगवान ने इनको सब कुछ दिया हुआ, दैट इज कृष्णास मर्सी। और साथ ही क्या बताया जा रहा है, अन्नमय चरम चर्मो अन्नमयाधिशु यह, यानी कि अगर कोई अन्नमय, विच इज बेसिक स्टेट ऑफ एग्जिस्टेंस राइट, अन्नमय है, प्राणमय है, मनोमय है, उसके बाद फिर ज्ञानमय है, विज्ञानमय है, आनंदमय है, ये डिफरेंट स्टेजेस ऑफ कॉन्शियसनेस है। तो इनमें अगर हम देखें अन्नमय प्राणमय मनोमय, ये तो भौतिक लोग हैं, क्योंकि अन्नमय मतलब जो सिर्फ भरण पोषण कर रहे हैं अपना, खा रहे हैं जी रहे हैं, दैट्स इट। प्राणमय जिनके अंदर कॉन्शियसनेस तो है लेकिन ऐसे जो उनको कोई बुद्धि वगैरह नहीं है राइट। इसके ऊपर फिर आता है मनोमय, यानी कि जो लोग अपने मन का इस्तेमाल कर पाते, यानी कि ऐसे लोग जो भौतिकवादी हैं लेकिन मनुष्य हैं, मनोमय। अब ये तो भौतिक लेवल हो गया, इसके ऊपर का आता है विज्ञानमय, यानी कि ऐसी जीवात्माएं जो जो कि आत्म साक्षात्कार का ज्ञान रखती हैं या उसके लिए लोलुप हैं, इनको बोलते हैं विज्ञानमय। और इसके ऊपर है आनंदमय, जो कि बेसिकली परमात्मा का स्थान, विज्ञानमय सॉरी आनंदमय, आनंदमय स्थान भगवान का। तो यहां श्रुतियां कह रही है लेकिन हे कृष्ण आप तो इन सबके परे हैं, स्टार्टिंग विद अन्नमय, अन्नमय हो, प्राणमय हो, मनोमय हो, विज्ञानमय हो, आनंदमय हो, यानी इवन परमात्मा के भी परे कौन, कृष्ण। ये कृष्ण है रसो वैसा, रस इज हायर देन आनंदमय। तो परमात्मा को अगर कोई रियलाइजेशन करता है तो ऐसी जीवात्मा आनंदमय किस लेवल पे आ सकती है, यानी जैसे परमात्मा का जैसे आनंदमय स्थिति है, आनंद में आ सकती है, लेकिन इससे भी ऊपर है आपकी स्थिति रसो वैसा। और इसलिए आप हरि के, आपके जो हरि के जो भक्त हैं, ऐसे भक्त तो आनंदमय लेवल पे भी नहीं है, ये अन्नमय प्राणमय मनोमय विज्ञानमय आनंदमय के भी परे हैं आपके भक्त। तो इसीलिए ये सर्वश्रेष्ठ स्थान है आपका और आपके भक्तों का। भगवान बोले ठीक है तुमने भक्तों के बारे में बता दिया, फिर इन योगियों का भला क्या होता है, तो फिर योगी के बारे में चर्चा करते हैं। योगी भी बेचारे जो है नीचे से हालांकि लगे ऊपर आने आते आते। अब ये जो योगी हैं ये दो प्रकार के होते हैं, एक तो वो जो कि उदर उपासते, यानी कि आपकी उपासना करते हैं आपको उदर में मानते हुए, तो ऐसे वाला कौन है, ऐसे लोग हैं जो कि भगवान सबके उदर में, क्योंकि वैष्णवानार ये भगवान का एक रूप है के रूप में रहते हैं, वहां पर उनकी उपासना करते हैं, एक वो भी वैसे योगी भी होते हैं। और ऐसे योगी भी हैं जो कि भगवान को हृदय मान के चलते हैं परमात्मा रूप में, तो एक उदर मानने वाले हैं एक हृदय मानने वाले हैं। जो उदर मानने वाले श्रेष्ठ होंगे या निकृष्ट होंगे, निकृष्ट होते हैं, निकृष्ट। जो हृदय मानने वाले हैं वो श्रेष्ठ हैं, जो उदर में मानने वाले हैं भगवान की क्रिया शक्ति को एक्नॉलेज करते हैं, लेकिन जो हृदय मानते हैं वो भगवान की ज्ञान शक्ति को एक्नॉलेज करते हैं। तो ज्ञान शक्ति वाले दे आर सुपीरियर टू दोज हु एक्नॉलेज ओनली क्रिया शक्ति। तो ऐसे योगी भी हैं जो कि आपको मानते हैं लेकिन इनडायरेक्टली मानते हैं, हालांकि चाहे मूलाधार चक्र हो, ब्रह्मरंध्र हो या हृदय हो, तीनों स्थानों में आपका वास है, लेकिन वो किसी एक स्थान पर ही पार्शली आपको स्वीकार कर पाते हैं। जैसे बॉडी के अंदर 101 नाड़ियां हैं, उनमें से एक नाड़ी है सुषुम्ना नाड़ी जो कि ब्रह्मरंध्र की ओर जाती है। अगर वहां से कोई आत्मा अगर जाती है ब्रह्मरंध्र को फाड़ करके, तो फिर वो उच्च लोकों में जाती है जहां से वापस नहीं आती, यानी वहां पर फिर भक्ति करती है, भक्ति करके फिर वो जाती है।
लेकिन बाकी 100 नाड़ियों में अगर किसी भी जगह से किसी ने आत्मा ने अगर शरीर छोड़ा तो उसको जगत में आना पड़ता है। तो ये योगियों का हाल है कि आपकी जब भक्ति में नहीं लगते तो उनको उनका चांस जो है सक्सेस का बहुत कम है। सोचिए ना, 101 में से सिर्फ एक सुषुम्ना नाड़ी में से अगर ब्रह्मरंध्र से निकली वो, तो जाकर के फिर वो ऊपर जाएगी, अदरवाइज पुनर्जन्म तो हो गया होगा। मतलब 99% तो फेलियर के चांस है अगर कोई आपकी भक्ति को स्वीकार नहीं करता, आपकी महिमा को स्वीकार नहीं करता। सक्सेस के कितने कम चांस हैं, लेकिन अगर कोई आपको स्वीकार करता है, अरे फिर तो उसके बारे में आ रहे हैं। तो इस प्रकार से भक्ति को यहां पर इनडायरेक्टली ग्लोरीफाई करती हैं श्रुतियां, ठीक है जी। उसके बाद फिर आता है कि भगवान की महिमा कितनी अद्भुत है कि आपके जो भक्त हैं आपके बारे में सुन सुन करके थक जाएंगे, लेकिन फिर भी सुनना छोड़ते नहीं है, ऐसे हैं आपके भक्त। तो इसलिए जैसे कि फिर कंपेयर करती हैं भौतिकवादियों से, जैसे भौतिकवादी कितना ही जगत में काम करें, थकने के बाद रात को क्या करता है, अपने संगी के साथ वो सहवास करता है, कहता है बस अब मैं थोड़ा सेक्स करूंगा इसके बाद फिर हम सो जाएंगे। तो भरसक मेहनत करने के बाद भी चरम सीमा किसकी है भौतिकवादी के लिए, सेक्स लाइफ। क्या थके हैं अब, लेट्स हैव सम फन, लेट्स हैव सम सेक्स, उसके बाद फिर सो जाना। लेकिन आपके जो भक्त हैं आपके बारे में सुन सुन करके अगर वो भर भी जाते हैं ना, उसके बाद आखिरी चीज वो क्या करते हैं, उसके बाद आपका नाम कीर्तन करते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, लौटते हैं। जिस तरह से भौतिकवादी के लिए सेक्स लाइफ इज द अल्टीमेट, थकने के बाद भी वो क्या करेंगे, सेक्स लाइफ में लगेंगे, उस प्रकार से आपके भक्त आपके बारे में सुन सुन करके आखिरी चीज क्या करते हैं, आपके नाम कीर्तन में नाचते हैं, गाते हैं, आपका गुणगान करते हैं, और आपकी जो महिमा जो अनंत है उसमें बार बार रमते हैं, उनकी प्यास कभी बुझती नहीं है, लेकिन अतृप्त हो करके भी और तृप्ति का अनुभव करते हैं। अब ये बड़ी अजीब गरीब बात है। तो श्रुतियां कहती हैं ये आपकी दिव्यता है कि आपके बारे में सुन करके तृप्ति भी मिलती है और वो तृप्ति और अधिक अतृप्त बना देती है, ये आपकी महिमा है। तो ऐसी जो सोल होती हैं बड़ी ही रेयर होती हैं, और ये वास्तव में पंकजांगरी यानी कि आपके चरण कमलों में हमेशा अपने मन को लगाए रखती हैं, ओके। और इस प्रकार से और ऐसे लोग जो कि इस प्रकार से भक्तों का अनुगमन नहीं करते, ऐसे लोग करते क्या है, स्पिरिचुअल सुसाइड करते हैं। न भता रमंती अहो असत उपासे आत्मा हनो, ऐसे लोग वास्तव में स्पिरिचुअल सुसाइड करते हैं, क्योंकि मनमाने तरीके से आपको प्राप्त करना चाहते हैं। क्योंकि अगर प्राप्त करना है तो कैसे प्राप्त करना पड़ेगा, इनको प्राप्त करना पड़ेगा जब ये आपकी शरण में आएंगे तो। क्योंकि जगत के अंदर लोग भक्ति को छोड़कर के और भी कई तरीके अपनाते हैं कि ये फला फला जी है, वो परमात्मा है, और ये हुए थे फला फला जी, वो हुए थे, हम ये करेंगे, तंत्र करेंगे, कई लोग कई तरीके अपनाते हैं आप तक पहुंचने के लिए। लेकिन ये सब के सब वास्तव में आध्यात्मिक सुसाइड के तरीके हैं। विशेष रूप से आध्यात्मिक सुसाइड कौन करता है, जो निराकारवादी है, कि हमें तो उस निराकार ब्रह्म के अंदर कूद करके आत्महत्या करनी है हमको, सुसाइड, क्योंकि हमको सेवा करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, हम आलसी लोग हैं, यहां तपस्या इसलिए कर रहे हैं ताकि हम ब्रह्म में जिए हमेशा हमेशा के लिए बिना कोई सेवा किए। तो कहीं ना कहीं ऐसे लोग वैसे ही क्या करते हैं, ये लोग असत उपास्य आत्मा, ये लोग असत की उपासना कर बैठते हैं। लेकिन जो बुद्धिमान जीवी है वो आपके पास आते हैं, और ऐसे में हमने जब दोनों को देखा, यानी कि जो असत उपासना करने वाले हैं और जो भक्त हैं, इन दोनों को हमने देख करके ये निष्कर्ष निकाला है कि हमें तो वास्तव में आपकी गोपियां बनना है। जिस तरह से गोपियां हैं ना, जिस तरह से गोपियों को आप उनके गले में को आलिंगन करते हैं, ऐसे हम भी चाहते हैं कि हमें भी आलिंगन प्राप्त हो। तो भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों को बोला कि श्रुतियों को बोला, ऐसा बहुत रेयर होता है कि मैं किसी को गोपियों का स्थान दूं, गोपियों का स्थान में किसी को नहीं देता, ये बहुत ही दुष्कर है, बहुत ही दुर्लभ है। लेकिन क्योंकि श्रुतियां तुम्हारी इतनी तीव्र इच्छा है मेरी सेवा करने की एज गोपियां, तो इससे मैं तुम्हारी इच्छा पूर्ण करता हूं, तुम मेरी गोपियों के रूप में सेवा करोगी। इस प्रकार से गोपियों को फिर ये आशीर्वाद मिला, और फिर गोपियों ने घनघोर तपस्या भी की कि हमें पता है कि अगर कोई असंभव कार्य है तो अगर संभव होता है तो वो कृष्ण कृपा के बिना तो हो ही नहीं सकता है। तो इस प्रकार से उनको ये आशीर्वाद मिला जब श्रुति ने प्रार्थना की।
और इस प्रकार से भगवान ने बोला सारस्वत कल्प जब आएगा तो तब मैं आप सबको गोपियों के रूप में स्वीकार करूंगा। और फिर गोपियां जो है भगवान श्री कृष्ण के स्मरण में रही, क्योंकि उनके स्मरण के द्वारा असंभव कार्य ही संभव हो पाता है। तो उसके लिए फिर विश्वनाथ ठाकुर जो है गोपाल तापनी उपनिषद से उत्तर जो पाठ है उसका उसे श्लोका चार कोट करते हैं। अपूतः पुतो भवति, यानी कि अगर कोई व्यक्ति अगर नर्क जाना किसी का जाना का हो तो उसको बचाने वाला कौन है? भगवान। यम माम स्मृत्वा अव्रति व्रत व्रति भवति, जो व्रत नहीं रखने वाला है वो व्रत रख पाएगा। क्या कैसे? यम माम स्मृत्वा, अगर कोई भगवान का स्मरण करे तो। निष्काम सकाम भवति, जिसमें कोई कामनाएं नहीं हो उसमें कामनाएं डाल देने वाला, यानी स्पिरिचुअल डिजायर्स डालने वाला कौन है? यम माम स्मृत्वा, अगर कोई मेरा स्मरण करे तो। अश्रोति श्रोति भवति, जिसको वेदों के बारे में कोई नॉलेज ना हो उसको दिव्य ज्ञान प्राप्त हो जाता है, कैसे? यम माम स्मृत्वा। तो अगर भगवान को स्मरण करें सो अपूतो पूतो भवति, अवृति व्रति भवति, निष्कामस कामो भवति, अश्रोति श्रोति भवति, कैसे? यम माम स्मृत्वा। तो इसीलिए गोपी ने मानते हुए कि हाँ निश्चित रूप से ये वैसे असंभव है कि कोई गोपी बन जाए भगवान के धाम में, लेकिन अगर कोई भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करता है, भगवान गोपाल का स्मरण करता है, तो ऐसा संभव निश्चित रूप से है। उसके बाद फिर उनके बारे में और गुणगान करती हैं कि वैसे आपके बारे में वेद गुहाय हृदय प्रते, वैसे तो हम भी आपके बारे में पूर्ण रूप में नहीं जानती हैं, एट द मैक्स हम परमात्मा लेवल पे आपको डिस्क्राइब कर सकती हैं, लेकिन आप हरि, आपका गुणगान आपकी कृपा के बिना हम नहीं कर सकती हैं, इसलिए आपको कोई नहीं समझ सकता, देवी देवता इंक्लूडिंग ब्रह्मा जी भी आपको नहीं समझ सकते। अच्छा, तो फिर भगवान बोल सकते हैं कि ठीक है, अगर मुझे कोई समझ नहीं सकता तो हु सो हु विल कम टू मी, तो मेरे तक फिर कोई पहुंच ही नहीं सकता, क्योंकि मुझे कोई समझ नहीं सकता तो मुझ तक कोई पहुंच नहीं सकता, ऐसा भगवान बोल सकते हैं। यस, नहीं प्रभु, इसमें एक्सेप्शन है, और वह है अविज्ञेय शिरो नृते, लेकिन ऐसे भक्त जो कि आपके चरण पादुका को अपने शीश पर धारण करते हैं, ऐसे भक्त आपकी कृपा से आपको समझ सकते हैं, पॉसिबल है। और ऐसे भक्त वास्तव में क्या करते हैं, स्वयं मृत्यु के शीश पे पांव रख करके आपके धाम में जाते हैं। इस जगत में मृत्यु सबके शीश पे पांव रखती है, लेकिन आपके भक्त जो है वो मृत्यु के सर पे पांव रखते हैं। अविज्ञेय शिरो नृते, नृते मतलब जो जो मृत्यु है उसके शिरो, शिरो मतलब सर पे पांव रख करके आगे जाते हैं। अच्छा, कहते तो, लेकिन तुम बोल रही हो कि ऐसे जो भक्त हैं जो मेरी शरण में आते हैं वो मृत्यु को सर पांव रखते हैं, लेकिन ये भी ऐसे लोग बड़े स्कॉलरली लोग भी हैं जो कि शास्त्र बड़े अच्छे से जानते हैं, ऐसे लोग भी तो फिर पार कर जाएंगे, बिकॉज उनको इतना ज्ञान है, उनको ज्ञान शक्ति है उनके पास, तो ये लोग भी निकल जाएंगे। कहते हैं ना 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 प्रभु, प्रवेश परिवश्य प्रसून इव गीर विधुनाम अपि तमस, इवन ग्रेटली स्कॉलरली पीपल जो भक्ति से विहीन है ये लोग भी मृत्यु के पार नहीं जा पाते बिना आपकी अनुकंपा के। कहते अच्छा, तो कुछ लोगों को नॉलेज है, कुछ को नॉलेज नहीं है, कौन भक्त है कौन भक्त नहीं है, तो काफी सारी बहुत कैटेगरीज हो गई, तो कौन है जो मुझ तक फिर आ पाता है एक्चुअली, ये सारा इसको थोड़ा क्लियर करो। तो उन्हें बोला कृत सौहृदा, यानी जिसके हृदय में आपके लिए स्नेह है ऐसा व्यक्ति तर पाता है, लेकिन विमुखा भले कितना बड़ा स्कॉलरली हो ऐसा व्यक्ति जो है वो कभी तरने वाला नहीं है। अच्छा, तो तुम ये कहना चाह रही हो मतलब इस जगत के अंदर आई एम द सुप्रीम कंट्रोलर, मैं ही परम नियंता हूं, ऐसा कैसे? क्योंकि नियंता होने के लिए तो कुछ सेंसेस होने चाहिए, इंद्रियां होनी चाहिए। कहते हाँ प्रभु, अकारण आपकी वैसे भौतिक इंद्रियां तो नहीं है, पर इसका मतलब ये नहीं कि आपकी इंद्रियां ही नहीं है, आपकी आध्यात्मिक इंद्रियां तो है, ऐसा कैसे? बिकॉज यू आर स्वराट, बिकॉज यू आर इंडिपेंडेंट, आप स्वराट है इसीलिए, इसलिए आपकी इंद्रियां आपकी इच्छा अनुसार आध्यात्मिक रूप से हैं, तो हम आकरण है, यानी आपकी वैसे भौतिक इंद्रियां नहीं है लेकिन स्वराट, लेकिन आपकी खुद की स्वयं की इंद्रियां तो हैं। कहते अच्छा, तो फिर ठीक है, तो फिर इस सब जगत के साथ फिर मेरा भला क्या कनेक्शन क्या है भला, यू नो ठीक है मेरी इंद्रियां हैं, स्पिरिचुअल एनर्जी इंद्रियां हैं, ये जगत है, तो बोला फिर मेरा इससे मतलब व्हाट्स माय कनेक्शन? तो श्रुतियां बताती हैं कि आपका कनेक्शन ये है कि जितने भी देवी देवता हैं, प्रकृति है, ये सब के सब आपको ट्रिब्यूट देते हैं, यानी आपको ऑफरिंग्स देते हैं और आप इसको स्वीकार करते हैं। हालांकि आपको किसी प्रकार के ट्रिब्यूट्स की आवश्यकता नहीं है, लेकिन बलि मुत वहंती, यानी कई प्रकार के एट्रीब्यूट्स आपको दिए जाते हैं,
और कौन कौन देता है आपको? सबदंत्य जया अनिमिषः, जितने देवी देवता हैं वो भी आपको ऑफरिंग्स देते हैं। इसे जितने भी व्रजवासी थे, जब उन्होंने देखा ना इंद्र को कृष्ण के आगे बत्ती घुमाते हुए, कहते ये तो देवताओं का राजा इंद्र लग रहा है, तो कहते लेकिन ये कर क्या रहा है आज, हमारे कृष्ण के आगे बत्ती घुमा रहा है, ये कृष्ण तो हमारा लाला है। नंद महाराज ये क्या चल रहा है, पता नहीं इंद्र को क्या हो गया है, कहता मुकुट नीचे रख के बत्ती घुमा रहा है, कहता पता नहीं क्या ही माज रहा है। लेकिन सारे देवी देवता जो है उनका गुणगान करते हैं, उनका उनका यशोगान करते हैं, उनको ऑफरिंग्स देते हैं, ऐसा करते हैं भगवान। और साथ ही दूसरा कार्य क्या है, भगवान क्यों जगत में आते हैं, वो ये है सबको बुद्धि देने के लिए, ताकि वो कृष्ण के पास आ सकें। ये तो भगवान इस जगत को का त्याग दें, ये जगत से कोई नहीं निकलने वाला, माया शक्ति के बने हुए इस कारागृह से कोई नहीं निकलने वाला, नो बडी। कभी जैसे हम बोलते हैं कारागृह, बोलते हैं कारागृह पूरी, लेकिन सलाखे नजर नहीं आती यहाँ पर, कारागृह हो कुछ है सलाखे तो हो, कहता देखो ये माया का कारागृह है, कोई ना निकलने वाला, ये देखो सलाखे, ये इलेक्ट्रोक्यूटेड है, हाथ लगाया ये तो ऐसा है नहीं, इसमें सलाखे क्यों नहीं है अगर ये कारागृह है तो? कहते क्योंकि जो यहां पर प्राणी है ना, ये खुद ही नहीं निकलना चाहते, तो जब लोग खुद ही यहां से नहीं निकलना चाहे तो ऊपर माया शक्ति क्या ऊपर सलाखे लगाएगी, यहां तो यहां से निकलने वाले बड़े डेस्परेट हो, भाई निकलना है, भाई यहां से भागना है, यहां से भागना है, यहां किसी से पूछो भाई निकलना चाहो, कहते निकलना क्या जी, बढ़िया तो है, सब अच्छा तो है। तो इससे माया देवी ने कोई सलाखे लगाई भी नहीं हुई, ठीक है। दूसरा कारण ये भी है कि जैसे होता है ना, बहुत सारे केकड़े अगर टम्बलर में डाल दें, ऊपर से ढक्कन नहीं लगाते, क्योंकि अगर उसमें से कोई निकलने वाला भी हो ना, दूसरा केकड़ा पकड़ के उसकी टांग पकड़ के नीचे डाल देगा उसको, तो अगर कोई जगत में कोई छूटना भी चाहे, दूसरे टांग खींचे नीचे कर दे, कहते कहाँ जा रहे तू, भक्ति कर रहा था पागल आदमी, तो कोई नहीं जा पाता यहां से बाहर। तो इसलिए बिना भगवान की उपस्थिति के, तो आपकी उपस्थिति के ना कोई निकल नहीं सकता यहां से। ये तो किसी में वैसी इच्छा नहीं है, कहता घूमो फिरो ऐश करो यार, खाओ पीरो, खाओ पियो ऐश करो मित्रों, दिल बस दिल किसी का मत दुखाओ, बाकी ऐश करो यार, और क्या नहीं, तो किसी निकलने की इच्छा भी नहीं हो, और एक आदमी निकलने की इच्छा होगी, दूसरे पूरी पलटन बैठी उसकी टांग खींच के नीचे गिर, क्या भक्तियां कर रहा है तो बच पक। तो इसीलिए ऊपर कोई सलाखें है ही नहीं, ये ऐसा कारागृह है भगवान का, कोई सलाखे है ही नहीं यहाँ पर ऐसा। ओके, तो उसके बाद फिर हाँ, तो हालांकि मटेरियल एनर्जी जो है वो तो जिसको जो चाहिए देती भी है, खुला देती है। तो भगवान कहेंगे ठीक है, तुमने मेरा अच्छा गुणगान किया, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि मेरे को शून्य बताते हैं, ऐसे लोग भी हैं। वियते इवा पदस्य तब शून्य तुलाम दत्तः, यानी कुछ लोग आपको शून्य से भी कंपेयर करते हैं, ऐसा भी तो मेरे बताया गया है, तुम इतना गुणगान कर रहे हो मेरे में, ये गुण वो गुण है, इनफाइनाइट गुण अनंत गुण, नहीं कुछ लोग मेरे को शून्य मानते, कहते हैं हाँ प्रभु शून्य इसलिए बोलते हैं, रीजन बीइंग यू आर इम्पार्शल, क्योंकि आपका ऐसा नहीं किसी के प्रति पार्शियलिटी हो कि आपको इंडियंस बड़े पसंद है, नॉर्थ इंडियंस ज़्यादा पसंद है, या साउथ इंडियन ज़्यादा पसंद है, ब्राह्मण ज़्यादा पसंद है, या स्त्रियाँ ज़्यादा पसंद है, वेद पाठी ब्राह्मण हरिद्वार वाले बड़े पसंद है, आपको ना कोई पार्शियलिटी नहीं है आपके अंदर। इसीलिए कभी कभी हम श्रुतियाँ आपको शून्य भी बताती हैं, कुछ ऐसे ऋषि मुनि आपको बताते हैं हमारे माध्यम से, लेकिन शून्य बताने का पर्पज ये नहीं कि आप शून्य एग्जिस्टेंस में शून्य हो आप, क्योंकि आपकी जो डीलिंग्स हैं वो उसमें कोई पार्शियलिटी नहीं है टुवर्ड्स मटेरियलिस्टिक पीपल, पार्शियलिटी है बट टुवर्ड्स डिवोटीज, भक्तों में आके पार्शियलिटी वहाँ आ जाती है, लेकिन कर्मी जगत के अंदर देखें देन ही इज इम्पार्शियल, जिसको जो चाहिए भगवान देते हैं, दैट मीन्स कृष्णा इज लाइक दैट। साथ ही बताया जा रहा है कि निश्रुतव माया, क्योंकि जगत के अंदर जो लोग हैं वो तो पूरी तरह से फंसे हुए हैं, लेकिन आपकी कृपा से वो समय से भी बच जाएंगे, काल शक्ति से ही बच जाते हैं, और साथ ही माया शक्ति से ही बच जाते हैं। ओके, तो उसका फिर भगवान कहते हैं अब लेकिन मैं देखता हूं कि कुछ लोग मेरे पास जो आ रहे होते हैं ना, उनको भी डिफिकल्टीज का सामना तो करना पड़ता है, ऐसे नहीं जो मेरे पास भक्त बन जाता है फिर उससे अब कोई भी अवरोध नहीं रहता, जो भक्त सब जानते हैं कहते हैं प्रभु जी भक्ति तो कर रहे हैं लेकिन अवरोध सारे नष्ट नहीं हुए। तो ऐसा क्यों होता है कि कोई कृष्ण के पास आता भी है फिर भी लाइफ में अवरोध तो है, ऐसा क्यों है? लाइफ तो स्मूथ होनी चाहिए, भगवान में आ गया, भगवान ने सारे दिक्कतें दूर कर दी, अरे बोल, ऐसा होना चाहिए, पर ऐसा तो नहीं है। तो भगवान ने कहा लेकिन तुम बोल तो रही है मेरा जय जयकार हो, जय जय मेरी मेरा गुणगान, लेकिन जो लोग मेरे पास आते हैं उनकी लाइफ में दिक्कतें तो हैं, ऐसा क्यों है फिर? तो श्रुतियां बोलती हैं
समवहाय गुरु चरणम, यानी ऐसे लोगों ने जिन्होंने कि गुरु के चरणों को छोड़ा हुआ है ना, ऐसे लोग आप तक आते हुए भी दिक्कतों का सामना करते हैं। बिना गुरु कृपा के आप तक पहुंचना बहुत मुश्किल है, बिकॉज दे वुड अंडरगो लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ डिफिकल्टीज, बहुत सारी दिक्कतें जाएंगी। अच्छा, डिफिकल्टीज आएंगी, लेकिन कैसी डिफिकल्टीज आती है, उसका कारण क्या है? कहता है मन, श्रुतियां कहती हैं मन बहुत बड़ी दिक्कत है। मन ना घोड़े के जैसा है एकदम, ऐसा घोड़ा जो यहां भागे वहां भागे, ले संभाल ले उसको, कहता अरे हमको संभालना नहीं आ रहा है उसको। क्यों? क्योंकि ऐसे व्यक्ति ने क्या है, संवहाय, ऐसे व्यक्ति ने अबैंडन किया गुरु के चरणों को, इसीलिए ऐसा व्यक्ति जो है मन को वश में नहीं कर पाता। अच्छा, मतलब गुरु के शरण में नहीं आएंगे तो उसको लाभ नहीं मिलेगा, मतलब उसको सिद्धि प्राप्त नहीं होगी, मतलब मैं प्राप्त नहीं होऊंगा उसको। हाँ जी, आप प्राप्त नहीं होंगे। तो भगवान कह सकते हैं चलो ठीक है, मैं प्राप्त नहीं होऊंगा, कुछ तो लाभ हो जाएगा, मतलब हल्का फुल्का लाभ तो हो जाएगा। गुरु के शरण प्राप्त ना करो, भगवान के पास जाके कुछ तो लाभ हो जाएगा ना, मेरे पास आया थोड़ा बहुत लाभ तो होगा। तो उसके लिए फिर श्रुतियां बोलती है, नहीं नहीं प्रभु ऐसा नहीं है। वाणिज्य एवाया शांतया अकृत कारण धारा जलधौ, यानी कि ऐसा व्यक्ति जो नाव में सवार हो लेकिन उसमें कैप्टन ना हो, उसकी नाव को क्या हाल होगा, उसकी नाव कहीं नहीं पहुंचने वाली। तो अगर वो सोचे गुरु के शरण में जा करके ना जा करके, लेकिन भगवान की शरण में जाएंगे कुछ तो लाभ होगा। श्रुतियां कहती है कोई लाभ नहीं होने वाला, जैसे नाव घूमती रहे आगे पीछे आगे भी, ये 100 किलोमीटर यहाँ निकल गई, 200 किलोमीटर यहाँ निकल गई, फिर 250 किलोमीटर यहाँ निकल गई, ऐसे ऐसे घूमती रहेगी, नहीं बरमूडा ट्रायंगल में जाके डूब जाएगी, और क्या होगा। तो इसलिए प्रभु जिसने आपके भक्तों की शरण नहीं ली ना, उसको कोई आंशिक लाभ भी नहीं होने वाला। इसीलिए बिल्कुल वैसा मर्चेंट जैसे उसका हाल है जो कि नाव चला रहा है लेकिन नाव में कोई उसका कर्णधारम है नहीं, कोई कैप्टन है नहीं उसका। तो इसलिए बिना गुरु के अगर आप तक आना चाहे दिक्कतें ही दिक्कतें जाएंगी, लॉट्स ऑफ डिफिकल्टीज वुड बी देयर। भगवान कहते हैं अच्छा, ये लेकिन ये जो मटीरियल नेचर है तुम इसको काफी इन्फीरियर बता रही हो। नहीं कुछ भी हो लेकिन है तो बड़ी अद्भुत है। कहते नहीं प्रभु, इसको तो आपने बिल्कुल वैसे ही त्याग दिया जैसे कि ना कोई व्यक्ति, जैसे सांप होता है ना, सांप अपनी केंचुली को त्याग देता है। इसलिए भौतिक प्रकृति का ऐश्वर्य बस इतना मात्र है, जैसे सांप केंचुली त्याग दे, बस ऐसा ही है बस। आपके आगे कोई ऐश्वर्य इसका है नहीं। तो हम ऊत जहासी तो हम अहिर एव त्वचम अत्त भागो, जैसे त्वचा त्याग देता है ना सांप, वैसे आपने मटीरियल एनर्जी को त्याग दिया। ऐसा जो स्किन जो लगी हुई है, इंटरनल एनर्जी जो केंचुली, यानी कि जो त्याग दिया, दैट इज मटीरियल एनर्जी। तो त्याज्य है मटेरियल एनर्जी जो कि दुनिया वालों को बड़ी अच्छी नजर आती है। अरे भाई साहब, अरे भाई साहब, अरे सर ये त्यागा हुआ माल है, ये रिजेक्टेड माल है, ऐसा तो कोई ओपुलेंस नहीं है इसका। हाँ अच्छा, तो फिर लेकिन अगर मैंने इसको त्याग दिया तो भला मेरे पास भला क्या ही ऐश्वर्य होगा? क्योंकि ऐश्वर्य अगर होता है सोना चांदी हीरे मोती इमेराल्ड कोहिनूर नीलम, ये सबसे तो ऐश्वर्य होता है, और क्या नहीं तो। अरे प्रभु, महसी महीयसे अष्टगुणीते अप्रिय भगा, क्या प्रभु आपके पास तो अष्ट सिद्धियां हैं आपके पास, आपको ये और अष्ट सिद्धि इससे नहीं प्राप्त होती आपको, ये यू है आपके पास तो अष्टगुणीते, यू हैव गॉट 8-fold मिस्टिक पावर्स भगा, और ग्रेटनेस का तो आपका कहना ही क्या। वहां नहीं, अच्छा ये तो आपने मतलब बहुत ही अद्भुत बात दी, पर मैंने कभी अपने बारे में इतना अनंत गुण मैंने कभी सुना नहीं। तुम्हें आज बड़ी तारीफ की जा रही हो, आपका ये गुण है वो गुण है ऐसा गुण है, मैंने तो कभी इतना गुण अपने बारे में मैंने जाना नहीं, कहीं ना कहीं किसी ने तो डिस्क्राइब किया होगा आज तक। कहते हैं अरे प्रभु, उसका कारण है, उसका कारण ये है, द्युपत्य एव न यु अनंतम अनंताय, क्योंकि आपके गुण अनंत है ना, इसलिए कोई गुणगान पूरा कर नहीं पाता, जो करता है करता रुक जाता है, कोई इतना करके इतने में रुक जाएगा, इतना करके कोई इतने में रुक जाएगा, लेकिन आपका तो अनंत गुण है ना, तो इसलिए कोई पूरी तरह से आपके गुण को ना डिस्क्राइब भी नहीं कर पाता है। इसीलिए कभी आपने अपने गुणों को पूरी तरह से सुना ही नहीं, क्योंकि वो अनंत गुण है, वो अनंताय। इसीलिए कहते अच्छा, तो कभी किसी ने क्या इसके लिए कोई एंडेवर भी नहीं किया क्या, कोई प्रयास वगैरह कभी किसी ने नहीं किया क्या? किया तो है प्रभु, श्रुत्या त्वयि हि फलन्ति, श्रुतियों ने हमने प्रयास थोड़ा बहुत तो किया है आपका गुणगान करने का, लेकिन आपके गुण क्योंकि अनंत हैं इसीलिए पूरी तरह से तो गुणगान हम नहीं कर पाए। कहता अच्छा, तो गुणगान मेरा पूरा नहीं कर पाए ना तुम, फिर तुम निष्कर्ष तो नहीं बता पाई हो कि तुमने तो थोड़ा बहुत ही गुणगान कर। कहते नहीं प्रभु, इतनी सेवा हमने की है, निष्कर्ष बता दिया हमने।
कहता है निष्कर्ष ये भाई आपके चरणों की सेवा करना, आपसे प्रीति लगाना, आपकी प्रेम भक्ति, ये निष्कर्ष है। लेकिन आपको पूरा गुणगान करने का बूता हमारा नहीं था, तो हमने कहा फटाफट कम से कम कंक्लूजन तो बताएं, नहीं तो पता लगा हमारी गाड़ी रस्ते में अटक गई तो हम तो निष्कर्ष नहीं बता पाएंगे। तो हमने पूरा प्रयास करके गुणगान किया और उसके बाद फिर हमने निष्कर्ष बता दिया कि देखो ये जो कृष्ण है ये, हाँ ये सब कुछ है वास्तव में। तो इस प्रकार से भगवान का गुणगान करके श्रुतियों का ये जो सनंदन जी ने बताया भगवान श्री कृष्ण का गुणगान करते हुए, तो इस प्रकार से श्रुतियाँ जो हैं गोपियों के रूप में उन्होंने स्थान प्राप्त किया और किस प्रकार से भगवान की जो दिव्यता है उसको बताया। और श्रुतियों ने ये गुणगान इसलिए भी किया क्योंकि अक्सर लोग श्रुतियों से ये मान लेते हैं कि श्रुतियों में तो गुणगान किया है भगवान के निराकार जो अद्वैत जो सिद्धांत है, जैसे जितने अद्वैतवादी ना वो उपनिषद गोट करेंगे, उपनिषद 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 उपनिषद, तो कहीं ना कहीं उनको ये भी था कि ना हमने तो भगवान आपके बारे में निराकार वाला पार्ट ही हमने ज़्यादा ग्लोरीफाई किया है, ज़्यादा रूप के बारे में चर्चा की नहीं। रूप के बारे में चर्चा भी कैसी है, ऐसी हल्की बुल्की चर्चा की है, स अक्षतः आपने दृष्टिपात किया बस ऐसे करके ही है, हमने ज़्यादा ना आपके रूप के बारे में चर्चा की नहीं। इसीलिए उपनिषदों में आखिरी उपनिषद जो आता है ईशोपनिषद, उसके अंदर हिरण्यवेन पात्रेण वाले में इतना सा कि मुखाद आपका जो मुख है इसके दर्शन कराइए प्रभु, थोड़ी रोशनी हटाइए ना ताकि आपके सुंदर मुख के दर्शन कर सके हम, इतना ही बस कर पाए। सो सार इसलिए ईशोपनिषद के ऊपर हमारे आचार्यों ने कॉमेंट्री की, चाहे भक्तिनाथ ठाकुर जी हों, वेदांत देशिका हों, मध्वाचार्य जी हों, इन सब ने कॉमेंट्री दी है क्योंकि दिस इज द लास्ट उपनिषद जो कि पुराणों में एंट्रेंस कराता है अब, यानी भगवान के अब साकार रूप का भी अब वर्णन आएगा जिसमें फिर फाइनली पूरा दिव्य डिस्क्रिप्शन आएगा तो श्रीमद् भागवत में आएगा, जिसमें 335 चैप्टर में से कम 150 चैप्टर तो भगवान श्री कृष्ण के ऊपर ही हैं, 90 चैप्टर तो इसी के हो गए 10th कैंटो के, ठीक है जो उसके बाद फिर 27 चैप्टर आ जाते हैं 11th कैंटो के और फर्स्ट चैप्टर के कुछ चैप्टर्स हो गए। इस तरह से करके हम देखते हैं मिला जुला करीब 140-150 चैप्टर जो हैं भगवान कृष्ण को डेडिकेटेड हैं फर्स्ट कैंटो में, तब जा करके शांति बड़ी। तो इसीलिए भगवान का गुणगान जो है उसकी दिव्यता उसकी मधुरता वो करने के लिए श्रुतियां उपस्थित हुई भगवान के आगे, और गुणगान करें कैसे उत्साह पूर्वक करने के, यही मौका है। अभी भगवान उठ रहे हैं तो उठते उठते एकदम रोकेंगे भी नहीं, कहते बस 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 बहुत हो गया, भगवान अभी विश्राम कर रहे हैं, अभी भर भर के भगवान का गुणगान करते हैं। तो गुणगान भी किया, तपस्या भी की और भगवान श्री कृष्ण की अनुकंपा से उनको श्रुति चारु गोपी यानी सुंदर गोपियों बनने का उनको सौभाग्य प्राप्त हुआ। ठीक है, यहीं पे विराम देते हैं हम। हरे कृष्णा। ओके, 9:15 बज चुके हैं, फिर ले लेते हैं, चलो एक दो प्रश्न और ले लेते हैं। प्रश्न है किसी का? हाँ जी पूछे जी। यस, जय हो सचिन गौर बोगी, जय, थैंक यू, जय हो। हाँ जी, हाँ जी, श्रुति में भी इतना स्पष्ट बताया गया है जैसे अभी डिस्क्राइब कर रहे थे ठाकुर जी के वर्णन, है ना, तो लेकिन फिर भी उनका शायद भाग्य उदय नहीं हुआ, भक्तों का संग नहीं मिला, जो भी रीजंस है, अपना कर्म दुष्कर्म है, दुष्कृति ना, तो ऐसे ऐसे वीडियोस बनाते हैं, इज गॉड रियल? तो इसके ऊपर थोड़ा सा आज यूट्यूब हम भी बनाएंगे। यस, गॉड इज रियल, ही इज ट्रॉपिक है ना, ही इज एवरीथिंग। तो भगवान जो है सिर्फ रियल ही नहीं है, ही इज एवरीथिंग एक्चुअली। तो इसलिए रियल और ये अनरियल की बात इसलिए आती है, रीजन बीइंग अगर भगवान स्थापित हो जाएंगे तो उनका गुणगान करना पड़ेगा और गुणगान करने के लिए ईर्ष्या को किनारे करना पड़ेगा और ईर्ष्या किनारे होती नहीं है, इसलिए फिर क्या करते हैं भाई, कहता है भगवान इज गॉड रियल, नॉट रियल, पार्शली रियल, ये तामझाम इसलिए लगते हैं लोग, रीजन बीइंग उनको ग्लोरीफाई करना पड़ेगा। अब जो ग्लोरीफाई करेंगे उसका सेवा करनी पड़ेगी, सेवा और हम करेंगे, अहंकार से भरे हुए लोग सेवा करेंगे, हम सेवा करवा लेंगे भगवान से अपनी, भगवान हमारी ये इच्छा पूरी कर दो, भगवान हमारी वो इच्छा पूरी कर दो, भगवान मेरी प्रमोशन करा दो, हमारी मेरी शादी करा दो, मुझे मांगलिक लड़की दिला दो, सेवा करो हमारी, ये सेवा कर ले ना, बिल्कुल नहीं। इसीलिए जो है फिर ये रियल अनरियल पार्शली रियल निराकार, इसलिए ये सब तामझाम चलते रहते, अदरवाइज इट इज वेरी डिस्टिंक्टली मेंशन भाई भगवान का डिस्क्रिप्शन है, यस भगवान तो हैं। जैसे अभी ये बुक में निकली सर द गॉड डिल्यूजन, क्यों
कि भाई हमें समझ में नहीं आया, तो तुम्हें समझ में आया तो हम क्या करें फिर, क्योंकि भगवान समझ में नहीं आते, भगवान तो दिल में आते हैं, राइट। तुम्हारे डायलॉग वैसे सलमान खान का है, सलमान खान ने बोला मैं समझ में नहीं आता, मैं तो दिल में आता हूँ। अरे क्यूटी भाई, ये भगवान के लिए, असल में भगवान समझ में नहीं आते, भगवान दिल में आते हैं असल में। हाँ, क्योंकि किसी ने पूछा प्रभुपाद जी से, श्री प्रभुपाद यू मेंशन इन द लेक्चर दैट वी कैनॉट अंडरस्टैंड कृष्णा, देन व्हाई यू राइटिंग सो मेनी बुक्स। प्रभुपाद ने बोला आई एम राइटिंग सो मेनी बुक्स सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड दैट यू कैनॉट अंडरस्टैंड कृष्णा। इसीलिए सो कृष्ण से हम प्रेम कर सकते हैं, समझ ना सकते उनको, पर ये नहीं हम फिर पढ़ेंगे नहीं, कहते चलिए तो अपने बड़ा अच्छा बता दिया, फिर बंद करो किताबें, फिर जब समझ में आने ही नहीं तो फिर प्रेम करो प्रभु कृष्णा आई लव यू, ऐसे ये करेंगे हम। हाँ पूछिए माता जी। यस 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 एस्ट्रोलॉजर्स के पास जाते हैं। यस देखिए, हाँ देखिए होता क्या है, कई बार डिवोटीज एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं समाधान के लिए, कि समाधान देते हैं फिर बताते हैं भाई केले के पत्ते के परिक्रमा कर लो, सूर्य को जल चढ़ा दो, दिस इज दैट दैट। एक तो ये प्रकार के सॉल्यूशन है, एक है विष्णु भक्ति ओरिएंटेड सॉल्यूशंस भी होते हैं। तो आप ऐसे एस्ट्रोलॉजर के पास जाइए जो कि अगर आपको उपाय बताते हैं उसमें कहीं ना कहीं भक्ति होनी चाहिए, तो भक्ति ओरिएंटेड सॉल्यूशन जो है अगर वो आते हैं देन इट्स ओके। और अगर कोई सॉल्यूशन से ना अगर आपकी भक्ति अच्छी होती है तो सॉल्यूशन ले लो। को बोले प्रभु मैं पुखराज पहनता हूँ मेरी हेल्थ अच्छी रहती है और फिर मैं मंदिर आ पाता हूँ, तो भाई तू पुखराज पहन ले, दो पहन ले। सो वी नीड ऑल हेल्प टू सर्व कृष्णा। अगर ऐसा होता है कि इस एस्ट्रोलॉजिकल सॉल्यूशन से आपको हेल्प होती है भक्ति करने में, तो बोले मैं पन्ना पहनता हूँ ना तो मैं किताबों के पन्ने पलट पाता हूँ क्योंकि मैंने पन्ना पहना है, मैंने तो पन्ना पहन ले लेकिन भागवतम पढ़ ले मेरे भैया। सो वी टेक ऑल दीज एस्ट्रोलॉजिकल सॉल्यूशन जस्ट लाइक मेडिसिन। जैसे कोविड हुआ हमने कहा भाई हरे कृष्णा करो, क्या तुम कोविशील्ड लगाओगे, तुम अपने आप को कोवैक्सीन लगाओगे, हमने नहीं कहा भाई कोवैक्सीन लगाओ उसके पहले जपा करो, उसके बाद कोवैक्सीन लगाने के बाद जाके जपा कर लेना। तो जिस प्रकार से मेडिकल सॉल्यूशंस होते हैं उस तरह से कभी कभी डिवोटीज ले लेते हैं अगले सॉल्यूशंस, ठीक है। बट अल्टीमेटली गोल क्या होना चाहिए सारे सॉल्यूशन का, कृष्णा। मुझे ठीक इसलिए होना है ताकि मैं भक्ति अच्छे से कर सकूं, मुझे ठीक इसलिए नहीं होना ताकि मैं शो ऑफ कर सकूं, ठीक है जी। और यस क्या माता जी, लगता है आपने मेरा सवाल का जवाब सुना नहीं आपने, इसलिए क्वेश्चन रिजेक्टेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, मैंने जवाब दे दिया, सुना नहीं आपने। हाँ यस प्रभु जी, यस नित्यानंद राम प्रभु जी। आप प्रभु जी, हो सकता है मैं समझने में गलती की, तो शुरुआत में जब आपने स्टार्टिंग किया जी कि भगवान योग निद्रा में है तो उस समय सबके सब जो इतने भी है सब उनके अंदर है। हाँ जी, तो फिर ये जो श्रुतियां हैं, हाँ जी, वो कैसे प्रार्थना करते हैं? हाँ, जो श्रुतियां हैं ये सृष्टि का पार्ट नहीं है, श्रुतियां जो हैं ये भगवान की अंतरंगा शक्ति का पार्ट है, भगवान की विद्या शक्ति का पार्ट है ये। इसलिए जब प्रलय होती है यानी चीज यानी प्रकृति मैनिफेस्ट होती है, अनमैनिफेस्ट होती है, तो श्रुतियां जो हैं उनका वो नष्ट नहीं होती, वो सिर्फ अब प्रकृति में अवेलेबल नहीं है लेकिन वैसे वो एग्जिस्टेंस में रहती हैं। जैसे जितने भी इंद्रियों के देवी देवता हैं प्रलय होने पर ये जीवित रहते हैं, सिर्फ ग्रॉस पार्ट जो है सिर्फ वो नष्ट होता है, पर मन प्राण इंद्रियां इनके देवी देवताओं के जो ओरिजिनल स्पिरिचुअल पोजीशन है वो बनी रहती है, बिकॉज ओरिजिनली एवरी पोजीशन इज विष्णु। तो उस प्रकार से जो श्रुतियां हैं ये प्रलय में सिर्फ हमारे लिए अनअवेलेबल होती हैं लेकिन वैसे एज पर्सन दे आर अवेलेबल। यस हाँ जी,
हरे कृष्ण जी, थैंक यू सो मच फॉर द क्लास। हाँ जी हरे कृष्ण। तो जैसे आप बता रहे थे कि जैसे योगी होते हैं तो वो आप जब ऊपर अपने इस चक्र से जब निकलते हैं तो वो बेसिकली ऊपर के लोकों में जा सकते हैं, मतलब भगवान के धाम नहीं जा सकते, उनको वापस वहाँ भक्ति करनी पड़ेगी फिर ऊपर जाएंगे। ऊपर के लोकों में जाके भक्ति करनी पड़ेगी फिर जाएंगे वो। लेकिन रघु जी, ऐसे कोई अगर भगवान में मैंडेट करके अपना यहाँ से अगर प्राण छोड़ता है तो वो अगर मैंने सतयुग में, तो सतयुग में ध्यान योग था, ध्यान योग में लोग ऐसे भगवान के धाम जाते होंगे तो फिर सतयुग में कोई जा ही नहीं पाता होगा अगर ये तरीका ठीक नहीं है तो जाने का। हाँ नहीं, होता क्या है, देखो सतयुग में ध्यान की विधि थी लेकिन ध्यान की विधि से करते भक्ति योगी थे, राइट। विधि हो सकता है ध्यान की हो, स्वाहा स्वाहा वाली हो, डीटी वर्षे वाली हो या नाम कीर्तन वाली हो। सो विधि अलग अलग हो सकती है लेकिन विधि के द्वारा हम योग कौन सा कर रहे हैं, ज्ञान योग, अष्टांग योग या भक्ति योग। अष्टांग योगी जो होते हैं, अष्टांग योगी जो कि भक्ति योग नहीं कर रहे लेकिन अष्टांग योग में है, वो ऐसे जो है वो जा सकते हैं हायर लोकों में, फिर वहां से भक्ति करके निकलेंगे। लेकिन जो यहीं पर ही भक्ति योग करेगा ध्यान योग के माध्यम से, ध्यान कर रहे हैं लेकिन है भक्ति योग, तो ऐसे व्यक्ति को सिद्धि प्राप्त होगी, भगवान के दर्शन भी प्राप्त होंगे। जैसे ध्रुव महाराज, ही डिड एक्चुअली ध्यान योग, लेकिन उस ध्यान योग में है क्या, भक्ति, भगवान विष्णु की भक्ति, उनका नाम लेना, उन्हें मेडिटेट करना। तो इस प्रकार से भक्ति करनी पड़ेगी, भक्ति यहाँ नहीं करोगे तो ऊपर के लोकों में करनी पड़ेगी लेकिन करनी तो पड़ेगी। योगी भगवान को मेडिटेट करके अपना ब्रह्मानंद से अपना अगर शरीर छोड़ता है मतलब, तो फिर वो जा सकता है धाम। कौन अगर कोई योगी है भगवान में मेडिटेट करते हुए अगर ब्रह्मानंद से अपना अगर उसने भक्ति की हुई है वास्तव में ना, तो उसको ब्रह्मंद्र हुआ नहीं हुआ, ब्रह्मरंद्र से निकला नहीं निकला, इस पर डिपेंड नहीं करना पड़ता, उसी कॉन्शियसनेस उसको ले जाती है, उसी कृपा, वो कृपा पे चल रहा है। भक्ति इज अ पाथ ऑफ ग्रेस। जैसे हमारे कई डिवोटीज हैं जो वो शरीर छोड़ते हैं, उनका ब्रह्मानंद फटता नहीं, लो पुनर्जन्म बेचारे का हो गया, फटा क्या, कहते नहीं फटा, क्या वहाँ थोड़ा हथौड़ी मार के थोड़ा पोला कर दो ताकि निकल जाए वहाँ से, वो ऐसा होता है। हाँ तो ये सब चीज़ें योगियों के लिए, भक्तों के लिए नहीं है। भक्त के लिए जो है मुक्ति बिल्कुल वैसे ही है मानो बिस्तर से उठना। बिस्तर से उठने में कितना दिक्कत होती है अगर कोई मतलब अच्छा व्यक्ति हो, आलसी ना हो तो आराम आराम से उठते चल देता है वो। ऐसे ही भगवान का भक्त जो है, जो सिद्ध अवस्था में है ना, उसके लिए शरीर छोड़ना और फिर दिव्य शरीर में जा करके गोलोक चले जाना बिल्कुल वैसे ही मानो बिस्तर से उठना, दैट्स इट। उसका नहीं होता वो 40 लाख उसको 40,000 बिच्छू काट रहे हैं, कृष्णा चिक 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 गंदे बिच्छू कहेंगे ना, हरे राम, ना 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 ना, ये बिच्छू काटना सिर्फ जगत के लोगों के लिए, भक्तों के लिए नहीं है ये। भक्त आराम आराम से शरीर छोड़ता है वो, वेरी इजीली। मैंने देखा कई लोग शरीर छोड़ते जो भक्त नहीं है, कर रहा के मरते हैं वो लोग। बाबू जी क्या हुआ, बोल पाता नहीं है, जबान साफ नहीं दे, साथ नहीं दे रही, उसकी आंखों के आगे जाला आया हुआ है। रो रो के पिट पिट के मरता है वो, बाबू जी आप मत रोइए, रो करके उनको चुप करा रहे होते हैं ये लोग, अजब ही बात है ये तो भाई, कार्टून नेटवर्क का संसार बता रहा हूँ ये। हाँ जी हाँ जी, निर्विशेषवादी या निराकारवादी है तो भगवान के भय से या उनको ज्ञान नहीं होता है जो भगवान, ज्यादातर तो अज्ञानी है, कुछ ईर्ष्यालु भी हैं, मोटा मोटा देखा जाए तो ये अभागे हैं, अभागे हैं भाई, घर बार छोड़ करके लगे तो हैं ये, लेकिन इनको भक्तों का संग नहीं मिला। वेन गुड फॉर्च्यून अराइजेज, सौभाग्य कब जगता है, जब किसी भक्त का संग होता है ना तो सौभाग्य जगता है। तो अगर कोई व्यक्ति बोले ही इज फॉर्चुनेट, दैट मीन्स ही मेट डिवोटी ऑफ कृष्णा, एंड ही इज मोर फॉर्चुनेट व्हेन ही मीट्स द डिवोटी ऑफ कृष्णा इवन सेकंड टाइम, एंड ही इज मोस्ट फॉर्चुनेट व्हेन ही कीप्स ऑन मीटिंग डिवोटी अगेन एंड अगेन, ही इज मोस्ट फॉर्चुनेट। हरे कृष्णा कृष्णा प्रोजी, एक क्वेश्चन था प्रोजी, जैसे आपने बोला भगवान योग निद्रा में है तो गोलोक के अंदर का स्टोरी है प्रोजी, लाइक क्या गोलोक में, क्या जो श्रुति वाला में सुना तो भगवान ये जो योग निद्रा, श्रुति गोपियां ये इस गोलोक में सुना है, गोलोक में ये है, जैसे अभी हम सोते हैं देव उत्थान काशी आती है, देव शयन काशी आती है, वैसे ही सोच सकते हैं। हाँ भगवान का उठना योग निद्रा में जाना लगा रहेगा, लेकिन श्रुति गोपियां दे आर ऑलरेडी डिलीवर्ड, अब वो यहाँ पर आती है भगवान की सेवा करने के लिए। अब जी दूसरा क्वेश्चन, आपने बताया था कि ना शिव जी बोल रहे हैं कि जितने शास्त्र हैं मेरे, इसके अलावा जो शास्त्रों में जो वो मोहयंती, वो सिर्फ मोहन महा, कहाँ पे कोटे वाला कोई कोट, ये पद्म पुराण में भी है और स्कंद पुराण में भी है, क्योंकि मुझे बहुत पद्म पुराण के अंदर आता है शिवजी पार्वती संवाद
और स्कंद पुराण के अंदर आता है स्कंद, स्कंद कौन है? कार्तिकेय। सो कार्तिकेय जी को लेके आता है। सो दिस इज पद्म पुराण का तो एग्जैक्ट रेफरेंस भी है इसमें। बेसिकली श्री रूप गोस्वामी जी ने इसको कोट किया है इसमें लघु भागवतामृत के अंदर। ओके, सो इसका है पद्म पुराण है कैंटो 4 चैप्टर 93 वर्स 26। स्कंद पुराण वाले का कोट तो नहीं है, बट इट इज ऑल्सो कोटेड बाय श्री जीव गोस्वामी इन कृष्ण संदर्भ, तो इसलिए दोनों ही है। थैंक यू जी, क्योंकि लोग क्वेश्चन पूछते हैं शिव पुराण में ये लिखा है ये वो लिखा है, तो उनको ये दिखा के फिर तो ये श्लोक मैं आपको दे दूंगा, उनको चिपका देना है। शिव पुराण की वो लिखा भगवान है सब क्वेश्चन डाउट के बाद। थैंक यू जी, रियली ग्रेट लेक्चर। ओके, श्लोक पढ़ देते हैं जी ताकि आप दिखा सको वीडियो में उनको। ठीक है जी। अतएव तत्रैव व्यामोहाय चराचरस्य जगतस तेते पुराण गमस ताम ताम एव ही देवताम परिमिकाम जलपंतु कल्पावधि सिद्धांते पुनर एक एव भगवान हरि समस्तगम व्यापारेषु विवेचेना व्यतिकरम नितेषु निश्चयते। इन पद्म पुराण इट सेड फॉर बिविल्डरिंग द लिविंग एंटिटीज ऑफ यूनिवर्स लेट द पुराणास एंड अदर स्क्रिप्चर्स स्पीक अंटिल द एंड ऑफ कल्प अबाउट देयर वेरियस सुप्रीम देवताज हाउएवर इन कंक्लूजन लॉर्ड हरि अलोन is discerned in all the scriptures and in all conduct through harmonizing all statements with intelligence. Lord Shiva instructs Parvati, Padma Puran, Canto 4, Chapter 93, Verse 26. Ab aata hai, Skand Puran ke andar, Shivji bata rahe Kartiko. To jo inke jo shastra hain, Shivji bata rahe, mere jo shastra hain. Shiv shastra istu tad grahiyam, Bhagavat shastra yogityat, Paramo Vishnur ekasta jnanam, Moksha sadhanam. Thik hai, shastra naam nirnaya निरस्त्य वेश तत् अनन्य मोहनाय ही। इन स्क्रिप्चर्स रिलेटेड टू मी शिवा वन शुड एक्सेप्ट ओनली दोज पोर्शंस दैट सपोर्ट द कंक्लूजंस प्रेजेंटेड इन द स्क्रिप्चर्स रिलेटेड टू भगवान विष्णु और भगवान हरि। आदि विष्णु इज कृष्ण, विष्णु अलोन इज सुप्रीम एंड नॉलेज ऑफ हिम इज द सोल मीन्स टू लिबरेशन। सोल मीन्स और बाकी नहीं। दिस इज द वर्डिक्ट ऑफ स्क्रिप्चर्स एंड एवरीथिंग एल्स इज ओनली फॉर द सेक ऑफ बिविल्डरमेंट। तो स्कंद पुराण लॉर्ड शिवा इंस्ट्रक्ट्स कार्तिकेय, तो ये दोनों श्लोक हैं। हाँ जी, यस, ओके, यस बताइए प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु, धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। एज यू टोल्ड दैट बेनिफिट ऑफ हरि कथा दैट हु टेल्स ही गेट मोर देन हु आस्क क्वेश्चंस ही गेट लिटिल एंड हु हियर दे आल्सो गेट। बट प्रभु जी सपोज दैट आई एम सिटिंग इन हरि कथा बट माय माइंड इज समवेयर एल्स देन व्हाट टाइप ऑफ बेनिफिट कैन आई गेट? देन यू आर मोस्ट अनफॉर्चुनेट। सोची को प्यासा हो कुएं के पास पहुंच जाए और कुएं के पास जाकर के लेट जाए, कहता है भाई तू पानी पीना था, कहता हाँ प्यास लगी है, कहते कुआं तो तेरे बगल में है, अच्छा कुआं है। लो जी, जो कुएं तक पहुंच नहीं पाया वो तो दुर्भाग्यशाली है, जो कुएं तक पहुंच करके जिसने पानी ना पिया वो तो महादुर्भाग्यशाली है। तो इसीलिए जहाँ हम यहाँ कुएं में आए हरि कथा अमृत के, तो यहाँ तो हमें पान करना चाहिए उत्साहपूर्वक। यस, हाँ जी, ओके, हाँ जी पूछे। कोई अंधा हो, बहरा हो, लूला हो, लंगड़ा हो, ठीक है ना, वो सुन सकता है ना बोल सकता है। हाँ बिल्कुल, हाँ हाँ, ऐसे भी त्यों करना चाहिए मंदिर में आके बस कोने बैठ जाना चाहिए, भले वो सुन नहीं पा रहा कुछ नहीं पा रहा, ये वाइब्रेशंस उसको तार देंगे। ये कहना चाहिए उसको। ठीक है जी, यहीं पे विराम देते हैं हम। हाँ, ये बस आपको बताइए जी। यस, हरे कृष्ण जी। जैसे आपने कहा जो जो दे आर आस्किंग फॉर कि हमको गोपी बनना है, जो दे आर आस्किंग कि हमको गोपी बनना, कोई स्पेशल कोई पोस्ट के लिए दे आर हैंकरिंग, जो श्रुति हैं वो भगवान से प्रार्थना कर रही हैं कि हमको आपके में गोपी, जिससे गोपियाँ आपका आलिंगन करती हैं, आपकी भुजाएँ उनके गले में आलिंगन करती हैं, ऐसे हमारे साथ भी हो। या सो क्या ये परफेक्ट डिजायर है कि अगर हम, क्योंकि एक जो प्योर डिवोटी है ही शुड आस्क फॉर सर्विस, तो एक स्पेशल कोई रस के लिए, अगर वो एक स्पेशल रस के लिए दे आर आस्किंग कि हमको ये बनना है, तो एज ए जैसे हम लोग हाल ही में एक लेक्चर था उसमें बता रहे थे एनओडी में कि जो प्योर डिवोटी टॉप मोस्ट प्योर डिवोटी जस्ट ही आस्क सर्विस नॉट ए स्पेशल रसा। देखो एक साधक तो ये मानेगा भगवान मुझे वो सेवा में लगाइए जिसमें आपकी खुशी हो, जिसमें आपको प्रसन्नता मिले। अब जो श्रुति गोपियाँ हैं ना वास्तव में ये हमारे ऐसे नहीं है, एक तो ये वैसे ही सिद्ध है मास्टर में, ठीक है जी, क्योंकि भगवान गुणगान करते हैं ये, और इनमें वो वाला चीज़ नहीं सुपीरियॉरिटी इन्फीरियॉरिटी वाला, गोपियाँ द बेस्ट, ठीक है। अगर मैं दास रस में हुई तो लोग बोलेंगे हाँ दास रस में
सो सैड, साखेरस में ओह सो सैड। पलाशी जो गोपियाँ जो हैं, जो श्रुति जो गोपियाँ हैं ना, जो जो श्रुति जो ग्लोरीफाई कर रही हैं, इनमें दोनों प्रकार की गोपियाँ हैं। इसमें साखेरसी गोपियाँ भी हैं, इसमें माधुर रसी गोपियाँ भी हैं, सॉरी जो जो श्रुतियाँ जो पर्सोनिफाइड हैं। सो इसमें साखे रस वाली भी होती हैं, वात्सल्य रस वाली भी होती हैं, माधुर रस वाली भी होती हैं। पर प्राइमरीली इसमें जो जिन श्रुतियों ने ग्लोरीफाई किया, ये वो श्रुतियाँ हैं जो कि माधुर रस वाली श्रुतियाँ हैं। तो श्री जीव गोस्वामी ने इसको इसको हाईलाइट किया अपने तात्पर्य के अंदर। उन्होंने बोला ऐसी गोपियाँ भी हैं जो कि श्रुतियाँ हैं जो कि साखे रस में भगवान को गुणगान करती हैं। पर यहाँ ये जो माधुर रस वाली थी, उन्होंने कहा इनका गुणगान अभी काफ़ी हुआ, हमको भी तो थोड़ा करना चाहिए। सो देन दे ग्लोरीफाइड कृष्ण। सो इसे माधुर रस वाली गोपियों ने ग्लोरीफाई किया, श्रुतियों ने ग्लोरीफाई किया। ठीक है जी, यहीं पे विराम देते हैं, 9:30 बज चुके हैं ऑलरेडी। बहुत बहुत धन्यवाद सभी भक्तों का। श्रीमद् भागवतम की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। इस गुरु अमोग लीला प्रभु जी की जय। ओके, तो आज मैंने गलती से शशिपति प्रभु जी का नाम अनाउंस कर दिया था, लेकिन ऐसे प्रभु जी का लेक्चर कल है। तो जो लोग ये सोच के आए थे उनको सुनेंगे, लेकिन डिसअपॉइंट हो गए, वो कल जरूर आए, कल उनका लेक्चर फॉर श्योर कल उन्हीं का ही है।